सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद जय भारत। पॉइंट ऑफ व्यू आज भी हम जरा बात करेंगे कुछ और मजीद जो है वो इस्लामिक लॉज के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और साथ साथ जो एक हिजाब कंट्रोवर्सी चली थी हम उस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा कई सवालात जो हमें हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे हमारे दोस्त हैं जो हमें देखा करते हैं, उन्होंने भी दिए हैं। हम वो भी कोशिश करेंगे कि उनके भी जो है वो आंसर्स ले सकें और उन बातों को भी जो है वो समझ सकें अपने मेहमान से। और आज ही हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, आप सबके जाने पहचाने। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया मौलाना साहब, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि ये हिजाब कंट्रोवर्सी जो चली भारत में, क्या जरूरत थी इसकी? और कोई इतने सालों से आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कभी किसी ने मना किया है क्या कि हिजाब ना पहना जाए? एक यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज की बात की जा रही है जहां पे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, वहां के लिए कहा जा रहा है कि ना पहना जाए, तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या बात थी? एक आधा मिनट और लूंगी आपसे कि क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता आया है, हमने कई बार देखा है कि लड़के इस तरह के बुरके हिजाब पहनकर, ये लाहौर की पिक्चर है और ये दो लड़कों को अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये इस तरह का अबाया और हिजाब पहन के लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कियों को तंग कर रहे थे। लाल मस्जिद बहुत मशहूर है इस्लामाबाद की, उनका मौलवी जो है वो बुरका पहन के भाग रहा था पुलिस वालों से, ये भी मैं पिक्चर उसकी दिखा रही हूँ। और जिस वक्त परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, तो ये बुरका पहन के भाग रहा था। तो बुरके को और या हिजाब को कई जगह पे गैर जरूरी तौर पे और गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे ख्याल है आप क्या समझते हैं कि स्कूल कॉलेजेस ने अगर मना किया है तो उसमें क्या हर्ज है? देखिए, हिजाब ना तो पहले कभी मुद्दा था ना 10 मार्च के बाद में ये मुद्दा रहेगा, 2024 में फिर आ सकता है जब इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन के मुद्दे हैं, हिंदुस्तान के मुद्दे नहीं है। हिंदुस्तान के मुद्दे बेरोजगारी, हिंदुस्तान के मुद्दे नौकरियां, हिंदुस्तान के मुद्दे एजुकेशन, हिंदुस्तान के मुद्दे दुनिया भर की जो महंगाई बढ़ रही है, वो असल मुद्दे हैं। जो लोग उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते वो हिजाब पर बात करते हैं, पाकिस्तान मुसलमान पर बात करते हैं या इस्लाम पर बात करते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो मुद्देहीन है। दूसरी बात, आपने कहा कि उनका मिसयूज होता है, मिसयूज यहां भी होता है। आरएसएस के कई लोग पकड़े गए, आरएसएस के कई लोग पकड़े गए और रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो उस वक्त भी लेडीज सूट पहनकर बाबा रामदेव भागे थे और उन्होंने ऊपर जो है ओढ़नी ओढ़ी हुई थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें बुरके का ही दोष है। दूसरे ये है कि ये हिंदुस्तान का कल्चर है पर्दा। देखिए, मजहब इस्लाम में जहां पर्दे की बात कही गई वो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में एक कल्चर है पर्दा। आप राजस्थान चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, जो गांव देहात के एरियाज हैं, आज भी वहां औरतें अपने आप को पर्दे में रखती हैं और उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है, और वो पर्दा बुरका नहीं होता, वो पर्दा जो है चादर होती है। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सब लोग करते हैं। ईसाइयों को आप देखिए, वो बाकायदा अपने यूनिफॉर्म में होते हैं पर्दे के लिए। तो ये तो कभी मुद्दा था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो भी स्कूल का यूनिफॉर्म है वो स्कूल का यूनिफॉर्म क्लास में लागू होता है, क्लास के बाहर चाहे स्कूल का कैंपस ही क्यों ना हो, उस कैंपस में भी वो यूनिफॉर्म लागू नहीं होता। ये जो हिजाब पर जो भी कुछ हुआ है ये कैंपस में हुआ है, क्लास में नहीं हुआ है। दूसरे, आपने ये भी देखा होगा कि वहां का जो प्रशासन था स्कूल का, वो उस बच्ची को प्रोटेक्ट करके लेकर गए हैं। अगर उनको कोई एतराज होता उसकी यूनिफॉर्म पर तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि उसको बाहर निकाल देते कि जाओ आप वापस जाओ,
और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर। तो मेरा मानना यह है कि ये मुद्दा है ही नहीं, ये तो वो जो एक शेर है जिसका एक मिसरा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि बड़े सोचकर ये डोर उलझाई है। ऐसा नहीं है, इसके जो फायदे हैं लोगों को मिलने थे ये अलग बात है कि वो फायदे नहीं मिल पाए, लेकिन बड़ी सोची समझी स्कीम थी ये। लेकिन ये स्कीम किसकी थी? क्या उस लड़की की थी जो के अपने कॉलेज में इस तरह से आई, जबकि वो बाकी आम जिंदगी में जीन्स पहनी होती है, टी शर्ट पहनी होती है, हमने उसकी बेशुमार पिक्चर्स देखी हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो ये जो तमाशा हुआ या ये जो नौटंकी हुई, ये क्या उस लड़की की तरफ से हुई? उसको तो कुछ पैसे भी दिए गए हैं किसी आपके यहाँ की किसी आई थिंक पार्टी की तरफ से, मैंने यहाँ ये भी पढ़ा है। नहीं, देखिए ये किसकी तरफ से हुई है किसकी तरफ से नहीं हुई है इसको आप भी जानते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूं आप भी जानते हैं। और ये जानबूझकर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए किसकी तरफ से हुआ है, ये सबको पता है, पूरी मीडिया को पता है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं। रही बात नहीं उसकी आप जींस की पिक्चरों की, देखिए जींस की पिक्चर तो मेरी भी बनाई जा सकती है, मेरी भी कच्छे में लोगों ने तस्वीरें बना रखी हैं। मैं 2014 में मोदी जी से मिला था जाकर, उन्होंने बुलाया था, एक मीटिंग हुई थी और वो कुछ बातें करना चाहते थे, हमसे बातें हुई हैं, मीटिंग हुई हमारी, तो उसका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें लोगों ने जो है मेरा पजामा निकाल के कच्छा मुझे पहना दिया। तो ये तो एडिटिंग होती रहती है ये, इसमें देखिए इसीलिए कोर्ट भी किसी वीडियो ऑडियो और किसी फोटो को एविडेंस नहीं मानता, क्योंकि सारा एडिटिंग के ऊपर मैटर है। ये जो आपने कहा कि हमने बेशुमार उसकी फोटो जींस में देखी है, आप जैसी सुलझी हुई पत्रकार अगर इस तरह की बात करेंगी तो फिर मैं समझता हूँ फिर तो आम आदमी तो कुछ भी कह सकता है। नहीं, लेकिन आपके ख्याल से वो एडिट की हुई पिक्चर्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी पिक्चर्स नहीं है मुस्कान की, वो एडिट की हुई है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं उसी की है, अपनी मैं अपनी राय पूछ है रहे, दोनों की। अच्छा आप कह रहे हैं एडिट की हुई है, और आपके ख्याल से वो पिक्चर्स एडिट की है, उन्होंने ये जीन्स वगैरह नहीं पहनी। वैसे जीन्स पहनने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लड़की हिजाब को लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जज्बाती होकर इस तरह की बात कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि आम जिंदगी में इस तरह। और दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा हूं और मैं अपने प्राइवेट लिबास में हूं, मेरा कोई भी लिबास हो, सर पे दाढ़ी टोपी हो या कुर्ते पैजामे में हूं या कोट पैंट में हूं, उससे उससे इसका हिजाब का क्या लेना देना, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। दूसरी बात यह है कि हिजाब का जो मतलब होता है वो होता है कि आप जब आप अपने घर से निकलें, बीच का जो रास्ता तय कर रहे हैं आप स्कूल तक, वो उस रास्ते में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप अपने खानदान के साथ में, अपने 10 लोगों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो प्रोटेक्शन साथ में है ही आपके, हालांकि पर्दा वहां भी है अगर शरीयत की रूह से देखें, लेकिन प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई हो तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तो है ही आपका आपके साथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बारीक चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है, एक बाकायदा डिबेट हो सकती है कि भाई शरीयत में पर्दे की क्या अहमियत है, पर्दा कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है, पर्दा कब करना चाहिए कब नहीं करना, ये सारी चीजें एक डिबेट का विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के माहौल में जिस तरह से हिजाब को बाकायदा डिबेट का विषय बनाया गया, ये उन चीजों को जानने का नाम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, और जो होना था वो हुआ, सबने देखा पूरी दुनिया ने। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कि ये अपनी मर्जी होनी चाहिए कि कोई हिजाब लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। और ये तो हर मजहब में है कि कोई भी अगर पर्दा करना चाहे तो करते ही हैं और हमेशा से करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में कुरान मैंने कहा कि यूनिफॉर्म है वहां पे नहीं होना चाहिए, और मिसयूज मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से हिजाब करके कोई किसी का पेपर भी देकर आ सकता है, कौन पकड़ेगा? कुरान देखिए ये काम प्रशासन का है कि भाई वो किसको किस हाल में अंदर जाने दे ना जाने दे। बाकायदा जब एग्जाम्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वहां उनकी तलाशी नहीं ली जाती या उनको जांचा नहीं जाता कौन क्या है कैसे है, ये सब तो कहने की बातें हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये, कुरान आपने पढ़ा होगा यकीनन, हालांकि मुझे बिल्कुल पिछली डिबेट में जब आपने कहा कि अब तक, तो मैंने कहा कि आप मुसलमान हैं, आपने कहा अब तक तो हूं, तो मुझे उस बात पर नहीं जाना कि अब तक तो हूं बाद में नहीं रहेंगी क्या होगा वो आप जाने आपका काम जाने, लेकिन कुरान तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिए। कुरान में लिखा है
ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम जितने भी मौलवी हैं, जितने भी उलमा हैं, जो दीन से वाबस्ता लोग हैं, जिस तरह से आप कटाक्ष करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, हम सिर्फ दीन को बताते हैं, डंडा मार के उसको अप्लाई नहीं करवाते। हम नहीं कहते कि अगर आप पर्दे में नहीं रहेंगे तो हम आपको सजा देंगे, आपको जो है सजा मिलेगी, डंडे मारे जाएंगे, जेल। हम नहीं कहते उस बात को। हम तो ये कहते हैं कि कुरान ने पर्दे के बारे में ये कहा है और वो बताया जाता है, या दूसरे भी जितने पर्दे कुरान के अहकाम है, शरीयत के अहकाम है, इस्लाम ने जो कुछ बताया है, कुरान ने जो बताया है, उलमा मौलवी हजरात उन बातों को सिर्फ बताते हैं, डंडा लेके अप्लाई नहीं करवाते। कुछ लोग जो कहते हैं मियां अपनी मर्जी है, कोई करे ना करे, बिल्कुल अपनी मर्जी है। कुरान भी तो यही कह रहा है ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर दीन में कोई जबरदस्ती करता है तो फिर वो दीन पर काम कहाँ कर रहा है, वो तो कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नहीं, जबरदस्ती तो खैर की जाती है और मदरसे भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वजह है कि किस तरह से बच्चों को गलत बातें सिखाई जाती हैं और उनके जहनों में एक जहर भरा जाता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो जो मुसलमान नहीं है। ये सिखाया जाता है कि जी जो काफिर है उनको मार दो। मेरे कई वीडियोस देखी हैं, कई यहाँ पे देखे हैं जहाँ पे सिखाया। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, मैं आपको भेज दूंगी, डोंट वरी। मैंने पूरी तैयारी बात कर रहे हैं, फिर आप वीडियो के बाद आपके यहाँ, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ कोर्ट क्या वीडियो को एविडेंस तस्लीम करता है? मेरे यहाँ तो नहीं करता। क्या मतलब, अगर वीडियो मौजूद है तो क्यों वो कोर्ट में क्यों नहीं दिया जाता? कोर्ट एविडेंस नहीं मानता उसको, कोर्ट उसको सबूत नहीं मानता, कोर्ट नहीं मानता। आपके यहाँ का कोर्ट मानता है? क्यों नहीं मानेगा, दिखाया जाएगा तो मानेगा अगर वो ओरिजिनल है और सब है। बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि क्योंकि वीडियो के अंदर छेड़छाड़ की पूरी गुंजाइश है, एडिटिंग की पूरी गुंजाइश है। आवाज आपकी, बात मैं कर रहा हूं, सब कुछ हो सकता है। शक्ल आपकी, बात मेरी, सब कुछ हो सकता है। आपका चेहरा, नीचे का हिस्सा किसी और का, बिल्कुल हो सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता वीडियो में भाई। सर वो चेक भी हो सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है कि ओरिजिनल है या नहीं। आपने कराया लाल मस्जिद की वीडियो को चेक? बिल्कुल वो ओरिजिनल है, मैं आपको भेजूंगी। और उसके साथ मुझे चेक कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने दावे से इंकार कर रहे हैं। मेरी बात, लेकिन मैं उसका एक रेफरेंस दे रही थी। एक सेकंड, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रही थी। मैं आपको बता रही हूँ, मदरसों में बच्चों को गलत बातें सिखाई जा रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरे मजहब के लोगों से नफरत सिखाई जाती है, उन्हें मार देने का कहा जाता है और ये छोटे बच्चों के जहनों में ये जहर भरा जाता है, तो ये चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी जवाब सुन लीजिए, पाकिस्तान में क्या होता है इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में करीब 6.5 लाख मदरसे हैं। उन 6.5 लाख मदरसों की मैं गारंटी लेता हूं, आप आइए हिंदुस्तान, मैं आपका सारा खर्च उठाता हूं, आपके वीजा से लेकर आपके टिकट से लेकर आपके यहां रहने के खर्चे तक का पूरा खर्च उठाता हूं। अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा मदरसा आप साबित करके दिखा दें जिस मदरसे में ये कहा जाता हो कि काफिर सामने आ जाए तो उसको मार दो, काफिरों को कत्ल कर दो, तो जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। एक मदरसा ऐसा दिखा दो। दूसरे ये कि कुरान की जिन आयतों को आप जैसे लोग कोड करते हैं वो आयतें मनसूख हैं कि नहीं, वो आयतें किन हालात के लिए हैं, वो आयतें कब थी, अब हैं या नहीं है, ये इल्मी विषय है। इल्म से जो इल्म तफसीर जानता है वो समझ सकता है इन बातों को, एक रिपोर्टर नहीं समझ सकता उस बात को, क्योंकि उसको इल्म तफसीर का पता नहीं है। जैसे जर्नलिज्म एक कोर्स है, जर्नलिज्म एक पढ़ाई है, मेरे जैसा आदमी, आम आदमी जर्नलिज्म को नहीं समझ सकता, ऐसे ही इल्म तफसीर भी एक इल्म है। आप जैसा आदमी या जो इल्मे तफसीर को नहीं जानता वो नहीं समझ सकता इस आयत का मतलब क्या है, उसका शान नुजूल क्या है, ये आयत किन हालात में नाजिल हुई, ये आयत अब नासिख है नहीं है, मनसूख है नहीं है, ये सारी चीजें आलिम जानता है जो इल्मे तफसीर को जानता है। आम आदमी जब उसकी तफसीर करना शुरू कर देगा तो फिर तो कुरान को गलत बयान ही करेगा, जैसा आज टीवी पर लोग कर रहे हैं आजकल।
उनको अल्लाह अच्छा मुझे समझेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताइए कि इंडिया में एक लॉ उन्होंने लेकर आए थे मोदी जी कि जी 21 साल से पहले शादी नहीं की जा सकती, जो मतलब छोटी उम्र में शादियां जो थी उनको रोकने के लिए, क्योंकि जाहिर है अगर छोटी उम्र में शादियां होती हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और खास तौर पे लड़कियों में। तो उसपे इतना प्रोटेस्ट क्यों किया गया? क्या आपको बेहतर नहीं लगता कि लड़कियों की शादियां जो हैं वो 21 साल की उम्र के बाद हो? किसने किया प्रोटेस्ट? इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था, आपको नहीं पता? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, एक भी जगह प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आप बता दीजिए कहाँ हुआ। ये अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि आप इतने बेखबर रहते हैं कि उसके एक भी ऊपर जगह छोड़ना प्रोटेस्ट चाहा नहीं गया करना था, सीए उसको के मना नाम किया पर। सुनिए, गया, मान नहीं रहते मुस्लिम्स वहां के। नहीं, सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर प्रोटेस्ट हुए हैं, सारी दुनिया ने देखा है उनको, लेकिन ये 21 साल वाला जो मामला है इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। एक आप लोगों ने प्रोटेस्ट अगर आप रिजेक्ट मुझे नहीं बता किया, दें। आप लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया इसको? अच्छा एक बात बताइए आप, अव्वल तो हमने रिजेक्ट नहीं किया और अभी भी नहीं करते हैं। दूसरी बात, एक बात बताइए, अभी आपने कुछ वक्त पहले कहा था कि ये अपना निजी मामला है कि कोई पर्दा करे ना करे, तो क्या जो लड़की शादी करना चाहती है 20 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में, ये उसका अपना जाति मामला नहीं होना चाहिए? 19-20 साल यहाँ की बात आपके नहीं है, कानून आप के लोग लिए। तो हाँ 14 साल और 15 साल की लड़कियों की नहीं नहीं शादियां भी कर देते हैं, नहीं बहुत नहीं नहीं यंग कौन एज में भी शादियां होती हैं। कर देता है? कौन कर देता है? कौन होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? कर देता है? आप लोगों का क्या मतलब है? आप लोगों में मतलब कौन शुमार है? मुस्लिम मुस्लिम्स की बात कर रही हूं मैं, हाँ कि तो छोटी उम्र में अब भी समझ में आ बच्चियों गया की ना। शादियां होती सुनिए सुनिए हैं, सुनिए छोटी उम्र में सुनिए, बच्चियों की शादियां नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रही हूं। आप जवाब सुन लीजिए ना। अब समझ में आ गया कि मुस्लिम कर देते हैं, आप उनमें शुमार नहीं है। आपने कहा आप लोग कर देते हैं, आपने कहा मुस्लिम, यानी आप उनमें शुमार नहीं। एक अब आप बात समझ में जलेबी आती है। बना दूसरी रहे हैं, बात, अब अब हम दूसरी मौलाना बात, साहब जलेबी बना रहे हैं, अब आप जलेबियां बना रहे हैं। अब सुनिए, अब दूसरी बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए पूरा। देखिए, शरीयत ने जो बच्ची की और बच्चे की शादी की उम्र रखी है, इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है, शरीयत ने उम्र रखी है बालिग होना। आप समझ रहे हैं बालिग होने को? बालिग होना का मतलब यह है कि बच्चे की, सॉरी, बच्ची को जब माहवारी शुरू हो जाए उसे कहते हैं बालिग होना, और लड़का लड़के को जब नाइट फेल शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं बालिग होना। समझ लीजिए आप इसको अच्छी तरह, ये शरी मसला है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि भाई ऐसी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, सबको पता है। और इसको डॉक्टरेट में भी पढ़ाया जाता है, इसको सब जगह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और सब बच्चे पढ़ते भी हैं। तो शरीयत ने जो कहा है कि तीन चीजों में जल्दी करो, एक तो जब लड़की बालिग हो जाए उसका निकाह कर दो, एक जब जनाजा तैयार हो जाए उसको दफना दो, एक बेनिकाही औरत का जब जोड़ का खाविंद मिल जाए उसका निकाह कर दो। तो शरीयत ने ये कहा है, लेकिन इसका मतलब, फिर मैं आपसे कहता हूं, इसका मतलब फिर ये नहीं है कि डंडा लेकर 14 साल या 15 साल या 20 साल की बच्ची की शादी कराओ। अगर लड़की ये कह दे कि साहब मैं शादी नहीं करना चाहती अभी, और अगर लड़की ये भी कह दे, बाप ये कहे कि मैं फला लड़के से आपकी शादी करना चाहता हूं, और लड़की बालिग होने के बाद ये कह दे कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, तो शरीयत ने उसको फुल इजाजत दी है कि वो अपने बाप की बात को भी ना माने। आप ये शरीयत क्यों नहीं बताते लोगों को भाई? ये शरीयत भी तो बताइए लोगों को, या सिर्फ कट पेस्ट ही करना जानते हैं कि नहीं, शरीयत की वो मगर चीज ले, उसमें से आधी बात लेके लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करना चाहिए। चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप दिखाएं हक और सच। जर्नलिज्म भी जमहूरियत का एक सुतून होता है, जर्नलिस्ट के हाथ में तराजू होती है, अगर जर्नलिस्ट इंसाफ नहीं कर सकता तो उसको जर्नलिस्ट रहने का और कहलाने का हक भी नहीं होता। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी सख्त बात कह रहा हूं। लेकिन मैं यही बात कह रही हूं कि अगर छोटी उम्र में शादियां करते हैं बच्चियों की, तो बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, अगर मत हेल्थ लगाइए, हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, नहीं जब होना मैंने शरीयत चाहिए। को बता दिया, अगर क्यों आप लगा लोग रहे हैं आप? आप लोग अपनी मर्जी का मजहब लेकर आते हैं ना, जो आपको सूट करता है फिर आप आप कहते लोग हैं कह हाँ जी रही हैं, शरीयत फिर ने ये कहा है, तो आप लोग नहीं हैं। किया तो ये कहा है, तो मैं क्या नहीं, कहूँ, किस तरह से बात कहूँ? मैंने अल्लाह का इस्लाम आपके सामने रख दिया। ये अल्लाह एक का अल्लाह का मौलवी इस्लाम तो और सुनिए, एक मुल्ला का इस्लाम अलग अच्छा होते हैं मौलवी की हमारे कितनी बात यहाँ। आप मानते हो? सुनिए, मौलवी की कितनी बात मानते हो आप? आप मौलवी को बदनाम करने पे लगे रहते हो। मौलवी तो ये कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, आप पढ़ती हो? नहीं पढ़ती।
मौलवी कहता है 1 महीने के रोज, सुनो एक मिनट सुन लो बात, आप किसने मौलवी कहा? कहता है कि 1 महीने के रोजे फर्ज है रमजान के, आप रखते हाँ हो? नहीं रखते। मौलवी कहता है कि अपने माल में से अच्छा, जकात देते अदा करो, ये फर्ज है, आप देते हो? नहीं देते आप। मौलवी लोग कहता क्यों है नहीं कि हज देते, करना अगर लोग आपके पास पैसा है रोजे। फर्ज है, आप करते हो? नहीं करते आप। जब मौलवी की किसी बात को आप नहीं मानते तो ये कहां से लाते हो आप कि आप लोग जबरदस्ती ऐसा करते हो? आप तो हमारी कोई भी बात नहीं मानते। अच्छा, और ये किसने कह दिया कि नहीं मानते? लोगों ने, जिसने हज एक भी करना होता है वो बताओ आप हज भी मानते हो करता क्या? है, जब नमाज बताओ आप पढ़नी होती है मानते लोग हो क्या? नमाज भी पढ़ते मैं हैं। आपसे कहता हूं, क्या चलिए सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं आपसे कहता हूं एज ए मुस्लिम, आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं आपसे कहता हूं 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। नहीं, तो तो ये मेरा आपको इंटरव्यू शुरू कर नहीं हो देनी रहा चाहिए। है। आपसे नहीं किसने कहा नहीं ये पढ़ती? कोई, नहीं अच्छा, नहीं नहीं ये ये बात आपसे नहीं, क्यों ना ना कहा ना मैं नहीं ना, पढ़ती? ये आपसे कैसे आप कह किसने रहे हैं कि मुझसे मुझे नहीं हो रहा नहीं है? रखती? आपसे किसने कहा मैं रोजे ये नहीं कैसे कह रहे रखती? हैं कि नहीं हो रहा है? उसमें कोई पहाड़ तोड़ना पड़ता है नमाज में? उसमें कोई नहीं, कुल्हाड़ा लेके चलना पड़ता है? आप उसमें कोई नहीं, वजन उठाना आप, पड़ता है? मैं एक बात मुस्लिम्स की कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही, और ठीक है? सुनिए और सुनिए सुनिए मैं आप बताऊं, कैसे दावा कर सकते हैं कि मैंने नमाज अच्छा नहीं पढ़ी सुनिए या अच्छा मैंने रोजा नहीं रखा? सुनिए सुनिए मैं अच्छा तो सब सुनिए करती सुनिए हूँ, मैं तो होली दिवाली देखिए तक मनाती हूँ, मैं तो हर नमाज चीज में, करती हूँ। देखिए मेरी देखिए बात नमाज सुनिए। में, देखिए हाँ शरीयत के अहकाम में अल्लाह ताला ने इतनी छूट दी है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते किसी वजह से, आपको खड़े होकर नमाज पढ़ने में परेशानी है, शरीयत ये कहती है बैठकर नमाज पढ़ लीजिए। अगर आप बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो शरीयत ये कहती है लेटकर नमाज पढ़ लीजिए। अगर आप लेटकर भी नहीं नमाज पढ़ सकते, आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है, तो शरीयत ये कहती है इशारे से नमाज पढ़ लीजिए। यानी पता ये चला कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है जब तक इशारा करने की भी ताकत आपके अंदर है। तो ये शरीयत है, मैं शरीयत बता रहा हूं आपको। अब इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि डंडा लेकर आप मुझसे नमाज पढ़वा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। मैं शरीयत का एक हुक्म आपको ठीक बता रहा है, हूं। अगर आप नहीं मुसलमानों को पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे या कोई भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह उसको समझेगा। हम कौन होते हैं डंडा लेकर मनवाने वाले, बिल्कुल नहीं और नहीं हमारी हमने तो मानता ऐसे, कौन है भाई? हमने तो खैर ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उसके बाद झूठ फिर भी वो बोल रहे हैं, उसके बाद अलग, चोरी भी कर रहे नहीं हैं, नहीं 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 उसके बाद हर तरह का फिर गलत भी वो काम कर आपसे रहे हैं अच्छे और हैं, साथ नमाजें पढ़ रहे हैं। मैं खैर बहुत वो अच्छी हूँ, नहीं मैं आपसे, तो बहुत बुरी सुनिए हूँ, मैं तो हूँ सुनिए बुरी, सुनिए, मुझे तो नहीं हाँ नहीं आपका मतलब आप ही नहीं, आप ही नहीं, आपका मतलब वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता और झूठ भी बोलता है, नमाज नहीं पढ़ता और गाली भी देता है, नमाज नहीं पढ़ता और लोगों के माल भी खाता है। उससे तो फिर भी बढ़िया है ना कि एक अमल ज्यादा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, फिर भी अच्छा, अच्छा ही हुआ मुझे ना। अच्छा नहीं, जो नमाज मेरा ये नहीं ख्याल है। पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते वो कोई ऐसा तो है नहीं कि दूध के धुले हैं, फरिश्ते हैं बिल्कुल, नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन अगर वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ नहीं देता, चोरी नहीं करता, तो वो बेहतर इंसान है, बजाय इसके नमाज पढ़े और बाकी सारे गुनाह भी मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान। मुसलमान नहीं की बात की, मुसलमान की बात कर मैं रही हूँ। वही कह रहा हूं कि तो देखिए मुसलमान माफ ही नमाज कीजिएगा, पढ़ेगा ना, कोई क्रिश्चियन तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन लेकिन एक माफ चीज मौलाना कीजिए, साहब, एक चीज मौलाना साहब, प्लीज एक चीज मैं हाँ आपसे और पूछना बताइए चाह रही हूँ। ये बताइए। मुझे बताइए कि आखिर ये इस्लाम में ये कजन मैरिजेस का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों है? क्योंकि बचपन से तो बताया जाता है भाई का हो, बाजी का हो, बहन का हो, और बड़े होके शादियां हो जाती हैं, उसकी वजह से भी कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में आ रही हैं और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और ये बहन भाई की शादी कैसे हो सकती है? मतलब बचपन से तो वो बाजी और भाई चल रहा होता है, और बड़े होके जी वो मामूजात भाई से शादी हो गई, फूफीजात बहन से शादी हो गई। मतलब ये कजन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अजीब सा दिमाग घुमाने वाला है, इस्लाम में क्यों है, नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग रोकते क्यों नहीं? मैंने आपको पहले भी एक बार इसका जवाब दिया था, और जवाब ये दिया था कि इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। नकल का मतलब जो कुरान में है, जो कुरान में है इस्लाम उसको कहा जाता है। मेरा दिमाग क्या कहता है उसका नाम इस्लाम नहीं है। अब आप कुरान को पढ़िए, अब आप कुरान को पढ़िए, चौथे सिपारे का आखिरी रुकू पढ़िए, मैं आपको बता देता हूं, चौथे सिपारे का आखिरी रुकू पढ़िए, उसमें आपको बता दिया है पूरा कि किन लोगों से आपकी शादी हो सकती है, किन लोगों से आपकी शादी नहीं हो सकती। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल अख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अखवातुकुम मिन अर्रदा। ये पूरा रुकू इसी बारे में है कि आप किसे, हुर्र महरम आपके लिए कौन है, आप किससे शादी नहीं कर सकते।
इनके अलावा तमाम लोगों से आपकी शादी जायज है। मतलब बहन भाई की शादी हो रही है, मामूजात भाई, कुपीजात बहन भाई बहन, कैसे कह रहे हैं तो मामूजात बहन भाई भाई कैसे, कुपीजात बहन बहन क्यों भाई बोलते सुनिए, हैं? बोला जाता है ना, सुनिए बचपन से सुनिए, भाई और बहन आपस में बोलते भी हैं, हमारे यहाँ तो बाजी बोलते मैं जवाब हैं, दे रहा हूँ ना, भाई मैं जवाब बोलते दे रहा हैं। हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कुरान की एक आयत है, इन्नमल मोमिनून इखवा फअस्लिहू बैन अखवैकुम, ए मुसलमानों तुम आपस में भाई बहन हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो। इन्नमल मोमिनून इखवा, तमाम मुसलमानों के लिए कहा गया है। भाई का मतलब क्या हुआ? इस्लामी भाई। एक होता है रिश्ते का भाई, एक होता है दूध शरीक भाई, एक होता है ईमानी भाई। इन भाइयों में आप फर्क महसूस कीजिए। जो रजाई भाई है, रजाई भाई का मतलब जिसने उसकी माँ का दूध पिया है उसको बोलते हैं रजाई भाई। तो रजाई भाई से तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन रिश्ते का जो भाई है वो ऐसा भाई है जैसे ईमानी भाई। खून का रिश्ता तो कहीं भी जाके टकरा सकता है ना, फिर तो कहीं, जब हम सारे मुसलमान आपस में भाई बहन हैं तो फिर तो शादी कहीं भी नहीं हो सकती। और इस्लामी तारीख को आप पढ़िए, मैं फिर कहता हूं कि जर्नलिस्ट को बहुत सारी बातें पढ़कर बैठना चाहिए। जो सवाल आप निकालो पहले उनको खुद पढ़िए, इस्लामी तारीख में इनका पस मंजर क्या है, इन सवालों का इस्लाम क्या कहता है, फलसफा क्या कहता है, समाजियात क्या कहते हैं, उन सबको पढ़िए और फिर सवाल कीजिए। देखिए नहीं, इस्लामी तारीख को, जवाब पहले सुन लीजिए, इस्लामी तारीख को अगर आप पढ़ेंगे, हजरत आदम अलैहि सलाम को जब जन्नत से दुनिया में भेजा गया और हव्वा अलैहि सलाम को जोड़ा बनाकर भेजा गया, दोनों की शादी हुई, निकाह हुआ, दोनों से बच्चे पैदा होने लगे। अब बच्चे पैदा होने लगे तो उनकी शादियां कैसे हो? वो तो भाई बहन है, वो तो भाई बहन है, जो जो आदम से हव्वा से पैदा हो रहे हो तो बिल्कुल सगे भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि एक ही माँ है, एक ही बाप है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि शरीयत जो है, दीन जो है, वो अकल का नाम नहीं है, नकल का नाम है। अल्लाह जो कह दे उसका नाम शरीयत है। अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया कि आज जो लड़की पैदा होगी, कल जो लड़का पैदा होगा उसके साथ उसकी शादी कर दो, क्योंकि अल्लाह को ये इंसानियत बढ़ानी थी, इन हजरत इंसान को बढ़ाना था, दुनिया में फैलाना था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस लड़की का उस लड़की के साथ, आपको याद होगा कि जो दुनिया में सबसे पहला मर्डर हुआ, सबसे पहला कत्ल हुआ, वो इसी बात को लेकर हुआ। हाबिल और काबिल की कहानी अगर आपने सुनी हो, जी और नहीं सुनी हो तो छठे सिपारे के अंदर ये सारी कहानी मौजूद है, आप उसको पढ़ लीजिए। नहीं, मैंने मैं, सारी कहानियां सुनी जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शरीयत जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अल्लाह अगर ये कह दे कि नमाज पढ़ना दीन है तो नमाज का पढ़ना दीन है, और अगर अल्लाह ये कह दे कि सूरज निकलने के वक्त नमाज नहीं पढ़ना, सूरज छिपने के वक्त नमाज नहीं पढ़ना, तो उस वक्त नमाज का न पढ़ना दीन है। पूरे रमजान महीने रोजा रखना दीन है। अगर अल्लाह ये कह दे कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना, तो उस दिन रोजे का न रखना दीन है। ये समझ लीजिए, मेरी अकल तो ये कहती है कि जब एक महीने हमने रोजा रखा है तो एक दिन में कौन सा फर्क आ जाएगा भाई, लाओ एक दिन और रख लेते हैं, अकल तो ये कहती है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कह दिया कि वो इफ्तार का दिन है, उस दिन आपको इफ्तार करना है, तो इफ्तार करना भी दीन है। आप समझ लीजिए, ये जो सवालात आप लोग घुसाते हैं कि अकल नहीं मानती इस बात को, ये समझ में नहीं आती ये बात, अरे भाई आप कोई इस दुनिया के सबसे बड़े आलिम थोड़े ही हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े कुरान के मुहाकिक और मुदक्किक थोड़े ही हैं, सबसे बड़े मुहदिस थोड़े ही हैं कि आप ये कह देते हैं, हमारी समझ में तो नहीं ये बात आती भाई। लेकिन फिर आप देखिए, पहले इल्मे साइंस दीन को पढ़िए, सुनिए मोहतरमा, सुनिए, पहले इल्मे दीन को पढ़िए, कुरान को पूरा समझिए, उसकी तफसीर को समझिए, हदीस को समझिए, हदीस की तफसीरों को पढ़िए, उसके बाद फिर आप कहिए कि मुझे ये इश्काल है, जरा से इसको साफ कर दीजिए, क्या है? कुरान बिल्कुल की ठीक। हवा नहीं है, हदीस को जानते नहीं है, फिर कहते मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। नहीं, थोड़ी सी साइंस भी पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी साइंस भी अगर पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। साइंस साइंस भी बताती है कुरान से ही निकला आपको है, कि ये जो कजन मैरिजेस है, इससे रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की बच्चों में बीमारियां आ रही हैं, और ये कजन मैरिजेस नहीं तो होनी आप चाहिए। मत करिए, आप थोड़ी सी अगर, मैं तो नहीं करूंगी, मत मैं करिए ना, पागल कौन लगती मार, हूँ, मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन खैर, मैं आपको एक डंडा बात पूछ लेके, रही सुनिए थी, सुनिए,
मोहतरमा, आपको डंडा लेके कौन कह रहा है कि आप अपने कजिन से शादी करो? नहीं कौन मैं कह ये रहा है नहीं, आपको? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज गलत चली आ रही है रिवायत में तो वही उसको बात, बदलना फिर वही बात, चाहिए। आप कौन होते हैं गलत सही का फैसला करने वाले कि गलत चली आ रही है? आपको नहीं करनी है तो मत कीजिए, आपको नहीं करनी है तो मत, डंडा लेके तो नहीं कोई कह रहा आपको, बंदूक तो तो नहीं मैं उठाई किसी ने कि दूसरों आपको करनी दूसरे पड़ेगी? जो कुएं में अगर छलांग आपको गलत लगा रहे लग हैं रहा ना है तो मत उनको भी कीजिए, रोकूंगी। लेकिन गलत तो सही का फैसला करने वाले आप हैं कौन, मुझे ये बताइए। मैं आप खुदाई इस्लामिक फौजदार, रूप से बड़े आलिम हैं मैं या सरदार हूं, आपने साइंस तो के मुझे साइंस सरदार बनाया था, आप भूल गए? आप साइंस के बड़े आलिम हैं, साइंस को कितना नहीं, पढ़ाया आपने? कितना मैंने साइंस को बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे मेरी बहुत पढ़ा है, सारी कितना रिसर्चेस भी देखी है पढ़ा मैंने। है साइंस को आपने? अच्छा, चलिए हिंदुओं मैं में आपसे एक भी क्वेश्चन करता हूं, हिंदू? नहीं, अगर मेरी बात आपने सुनिए, साइंस को, मैं कोई अगर आपने साइंटिस्ट साइंस को नहीं पढ़ा है, हूं। क्वेश्चन सुनिए मेरा, साइंस का क्वेश्चन सुनिए, जवाब देंगी? नहीं, मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं मैं बैठी, साइंस का आपका क्वेश्चन करूंगा इंटरव्यू आपसे। है, जवाब आप देंगे। आप पहले मुझे जवाब दीजिए कि ऐसे तो हिंदुज्म, अब आप फंस रही हिंदू है तो हिंदू जवाब आप रिलीजन देंगी। में, नहीं मैं फंस नहीं रही हूँ, हिंदू ये रिलीजन में भी डिस्कशन है, कजन ये मैरिजेस नहीं डिस्कशन होते। है, ये देखे इंटरव्यू नहीं है देखे, मोहतरमा, मेरी बात सुने। इंटरव्यू जो नहीं है ये, हिंदू, पहले तो आपको एक बता दूं, मिनट, इंटरव्यू नहीं है ये डिस्कशन है, देखे देखे, अगर हम एक साथ बात मतलब करेंगे ख्याल तो जिसको ऑडियो कहते खराब हैं। होगी। एक सेकंड, अगर हम एक साथ बोलेंगे ऑडियो खराब होगी, जब मैं बात कर लूं फिर आप बात कर, या जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, मैं आपसे ये बताइए, कह रही हूँ कि हिंदू रिलीजन में भी कजन मैरिजेस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है उनके मजहब में, और हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए। अगर अभी तक कोई गलत काम करते चले आ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि आगे भी करते रहे। और अगर कोई कुएं में कूद रहा है तो उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई तुम्हारे बच्चों के ऊपर असर पड़ सकता है, वो रिटार्डेड हो सकते हैं, पूरा हो सौ गया आपका बीमारियां आ सकती हैं। हो गया, सवाल, पूरा हो गया आपका, हो अब गया। जवाब सुनिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपके पीछे बंदूक लेके कौन भाग रहा है मौलवी, कि आपको शादी यही करनी पड़ेगी, इसका जवाब मैं दीजिए। अपनी बात नहीं कर रही, मैं नहीं, एक ओवरऑल एक बात मैं भी कर रही आपकी हूं। बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी तमाम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, आपका नाम लेकर। किस मौलवी ने कहा डंडा लेकर नहीं अपनी चचा की बेटी से आप शादी कीजिए, आप अपने मामू की बेटी से शादी कीजिए, डंडा लेके कहा किसी मौलवी ने? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। अगर आपको बुरा लगता है तो आप मत कीजिए, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं कि साहब मैं नहीं करूंगी, मैंने तो बचपन से भाई भाई कहा है इनको, बहुत लड़कियां मना कर देती हैं, तो डंडा लेके नहीं कराता कोई भी, ये समझ लीजिए आप बात। दूसरी बात, इश्काल यहां पैदा होता है, सवाल यहां खड़ा होता है कि साहब मैं ये कहूं कि साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, तू है कौन, तू कौन है ये कहने वाला कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है? अगर तेरी कोई हैसियत है समाज में, अगर तेरी कोई हैसियत है शरीयत में, अगर तेरी कोई हैसियत है साइंस में, अगर तेरी कोई हैसियत है किसी भी इल्म में, तो फिर आप कहें कि साहब इल्मी जवाब आप दीजिए, उसका सवाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी खड़ा होकर ये कहे कि साहब ये इस्लाम की ये फला बात मेरी समझ में नहीं आती, हिंदू मैरिजेज में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी समझ की बात है, बहुत लोगों को हिंदू धर्म पसंद आता है, बहुत लोगों को मुसलमान धर्म पसंद आता है, तो इसमें भी जबरदस्ती नहीं किसी के साथ कि भाई कौन हिंदू धर्म में रहेगा, कौन मुस्लिम धर्म में रहेगा, कोई किसी को भी फॉलो करे। और दूसरी बात, जो अच्छी बात जहां भी मिले उसको ले लो, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म में, अच्छी बात है, हिंदू धर्म की बात को मानिए, आप कौन मना करता है आपको कि मत मानिए उसको? आपको तो इस बात पर भी एतराज था पिछली दफा के साहब, औरतों को 72 मर्द क्यों नहीं, जैसे दुनिया में रंगरलियां मनाती हैं, जैसे रिलेशनशिप के अच्छा, नाम पे, दोस्तों के नाम पे आप लोग जिस तरह रंगरलियां मनाती हो, आपको जन्नत में भी रंगरलियां मनानी है, 72 मर्द आप चाहिए वहां मना भी सकते आपको। हैं, आप 72 हूरे रख सकते हैं, आप रंगरलियां मना सकते हैं, अब औरतें नहीं सुनिए, मना सकती, ये अब क्या बात सुनिए, अब हुई? सुनिए, अब सुनिए, देखिए, अब सुनिए, यही तो चीज है ना, देखो दिमाग को बिल्कुल हाजिर रखकर समझना चाहिए। एक बात हमेशा जहन में रखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा है, मैं जर्नलिज्म को जानता हूं, बहुत सारे सवाल आउट ऑफ द वे करती हैं आप, क्योंकि आपको जर्नलिज्म की हवा भी नहीं है, ये सच्चाई में बता रहा हूं आपको, मैंने जर्नलिज्म को DU से पढ़ा है, आप जानती हैं इस बात को, नहीं जानती होंगे, मैं बता देता हूं आज आपको, आप जो सवाल करती हैं आउट ऑफ द वे करती हैं, क्योंकि आपको सवाल नहीं करना, आपको जर्नलिज्म की हद में नहीं रहना, आपको तो वो चीजें निकालनी है जिससे आपको TRP मिले और नमक मिर्च लगाना है, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। दूसरी बात, जब आप रंगरेलियों की बात करती हैं मोहतरमा, जन्नत में रंगरेलियां नहीं है बिल्कुल भी, आप कुरान को पढ़िए,
आप कुरान को अगर पढ़ लेंगी, मैं फिर बार बार कहता हूँ, शरीयत को जो आदमी पढ़ लेगा, इस्लाम को जो आदमी पढ़ लेगा, वो इतना घटिया और वाहियात लफ्ज कह ही नहीं सकता कि जन्नत में रंगरलियां हैं। ये बहुत घटिया लफ्ज है। हिंदू हिंदू आदमी भी जो इस्लाम को नहीं मानता वो भी ये नहीं कह सकता कि जन्नत में रंगरलियां मनाएगा मुसलमान जाके। आपने कहा ना कि रंगरलियां मनानी है 72 मर्दों के साथ, शुरू तो आपने किया था, मैंने तो आपको जवाब दिया। मैंने ये कहा कि जैसे दुनिया में लड़कियां रिलेशनशिप के नाम पे और लड़के रिलेशनशिप के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे दुनिया में रंगरलियां मनाती हैं, ऐसे ही जन्नत में चाहती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जन्नत में रंगरलियां मनाएंगे, मैंने दुनिया में कहा। आप लोगों ने तो जायज कर लिया ना फ्रेंडशिप को, जन्नत में आप लोगों ने रिलेशनशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने फ्रेंडशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने सब चीजों को जायज कर रखा है। जन्नत में ऐसा नहीं चलेगा, जन्नत में तो अल्लाह का कानून चलेगा। और यहां भी जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबी को मानता है, वो अल्लाह के कानून को मानकर जिंदगी गुजारेगा ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए। और जिसको नहीं मानना वो दुनिया में भी आजाद है, दुनिया में भी जो चाहे करे, जिस तरह की जिंदगी जिए, और आखिरत में भी जिए, आखिरत में उसका जो सजा है जो मिलेगी उसको। अच्छा मुझे बताइए, ये एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हिंदुस्तान की है मेरे ख्याल है, और ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। इंडिया में ऐसा क्यों होता है, इतने इस तरह मतलब नीचे भी पढ़ सकते थे ना, ये ऊपर छत के चढ़ के सड़क पे बैठ के। इंडिया में क्या होगा, पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे? नहीं मैं फैसला नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्यों आप क्यों पूछेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप पाकिस्तान के बारे में? ये बस 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 के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने से क्या होता है, अल्लाह नजदीक आ जाता है। उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे पढ़े, जहाँ उनको आसान। आप प्लेन में भी तो नमाज पढ़ता है ना आदमी, प्लेन में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रेल में पढ़ता है कि नहीं है ना, बस के ऊपर सड़क मौजूद है, खाली पड़ी है सड़क। मोहतरमा मुझे बताइए, प्लेन में आदमी सफर कर रहा है, अगर प्लेन में उसने नमाज पढ़ दी तो नमाज नहीं होगी क्या? ट्रेन में अगर उसने नमाज, या बस की छत पे ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज नहीं होगी क्या? मैंने ये नहीं कहा नमाज नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि बस की छत पे चढ़ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूछ फिर वही रही बात, हूँ। जब आपको इतनी आजादी है, जब आपको इतनी आजादी है कि बुरका पहने ना पहने, नमाज पढ़े ना पढ़े, तो इनकी नमाज पे एतराज क्यों है आपको? चले आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बताइए, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, अपने नाम पे तो आपको आजादी चाहिए हर तरह की, दूसरा अगर कोई कर रहा है उसमें रोक टोक, आप क्यों रोक टोक कर रही है भाई, उनको भी आजादी से पढ़ने दीजिए। जब हम आप में रोक टोक नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रोक टोक क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग बेशक जहां मर्जी चढ़ के नमाजें पढ़िए, चाहे नीचे पूरी जगह खाली पड़ी है वहां आराम से भी पढ़ सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आपके मानने में भी एतराज है, आप खुश दिली के साथ मानिए ना कि भाई आप भी आजाद है, हम भी आजाद है, बात खत्म हो गई। आप इसको घुमा फिरा के बकौल आपके जलेबी बना के क्यों मान? अरे भाई जब आप आजाद हैं कि आप बुरका पहने ना पहने, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं, आप नमाज पढ़े ना पढ़े, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं, आप अच्छा, हम नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, हम नमाज बस के ऊपर पढ़े, ट्रेन के ऊपर पढ़े, हवाई जहाज के ऊपर पढ़े, जमीन पर पढ़े, चटाई पर पढ़े, घास के ऊपर पढ़े, आप लोगों को भी एतराज नहीं करना चाहिए ना मोहतरमा? नहीं आप अगर सड़क के ऊपर पढ़ेंगे, अगर आप बहुत सी पिक्चर्स ऐसी आती हैं इंडिया की स्पेशली कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है, तो फिर एतराज तो होगा ना, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इंडिया में देखिए, और कोई बात इंडिया नहीं। की खूबी बताऊं मोहतरमा, इंडिया की खूबी बताऊं आपको, इंडिया में इतनी खूबी है कि जहां इस तरह से सड़कों पर नमाज होती है, हमारी इंडियन पुलिस बाकायदा प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को और नमाज पढ़वाती है। इंडिया की ये खूबी है, आपके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब आप लोगों ने अक्ल नहीं करनी, आप उल्टा मुझे ये बता रहे हैं कि इंडियन पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है, आपने ये नहीं कहना कि भाई उन लोगों को अक्ल दें कि भाई साइड पर हो जाओ, ट्रैफिक मत रोको। आप कौन होते हैं अक्ल देने वाले भाई? नहीं, मैं अक्ल देने वाले कह रही हूँ कि आप दीजिए। पाकिस्तानी हमें कब से अकल देने लगे भाई? मैंने कब कहा कि मैं अकल, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अकल क्यों? हम अकल में आपसे अच्छे हैं, हिंदुस्तान का आदमी अकल में पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को अकल होती तो इतना सा पाकिस्तान लेके नहीं बैठते, हिंदुस्तान में रहते और अपनी ताकत बना के रखते। आप लोगों में तो अकल ही नहीं है,
और आप जरा सा हिस्सा लेके बैठ गए और खुश हैं अपने आप में, मियां मिट्ठू बने हुए हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं दुनिया के नक्शे पे, और मियां मिट्ठू बने बैठे हैं आप। हम पाकिस्तानी हैं, ना इधर के ना उधर के, ना बिल्कुल जी, इस्लामी मुल्क है लेकिन आप और ना जमहूरी मुल्क है, ना इस्लामी मुल्क ना जमहूरी मुल्क, आप तो है ही नहीं कहीं भी दुनिया के नक्शे में। कौन सा है, कौन सी हैसियत है आपकी, मुझे बताइए, नहीं कौन हम तो मानता बिल्कुल है ऐसा आपको? ही है, नहीं हमें कोई नहीं मानता, हम अपनी बात कर भी नहीं रहे, हम इस वक्त बात तो इस्लाम आप की हमें या अकल दुनिया देंगे की कि भाई बताए। हम नमाज कैसे मैंने कब पढ़ें, कहा, हम मैंने रोजा आपसे कैसे कहा कि आप रखें? अकल दीजिए, मैंने कहा आप अकल दीजिए अपने लोगों को, लेकिन खैर आप तैयार नहीं है तो क्या क्या अरे किया जा सकता है। हम तो अपनी अकल में अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, आप उसमें क्यों कह रही हैं अच्छा अकल दीजिए? ठीक है, फिर किए। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है, हमारी फोर्स हमारे साथ है, तो फिर हम अकल किसको दें? आपको बताओ किसको दें? नहीं आप लोग तो वैसे ही अकल इस्तेमाल नहीं करते, आपने कहा कि दीन अकल का नाम नहीं है, तो फिर जाहिर अकल यस, दीन इस्तेमाल नहीं हो रही के होगी। मामले में कुरान को जमा मानते हैं हम, दीन के मामले में कुरान को मानते हैं, आपकी तरह नहीं अच्छा मुझे ये कि बताइए इस्तंजा करने में कि भी अपनी बात क्या मानेंगे इस्लाम और में नमाज गाड़ी, पढ़ने में भी अपनी बात मानेंगे, इस्तंजा करेंगे खड़े होकर, पेशाब करेंगे जानवरों की तरह खड़े होकर, खाना खाएंगे जानवरों की तरह खड़े होकर, और घूमेंगे अपनी मर्जी से और कहेंगे हम मुसलमान हैं? हम उस टाइप के मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान की सारी बातों को फॉलो करते हैं मोहतरमा। हम नाम के अच्छा मुझे ये मुसलमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बताइए, हम बिल्कुल नहीं काम के मुसलमान हैं, और मुझे ये हमारे बताइए, देश के संविधान ने काम का मुसलमान बनने के लिए हमें आजादी दे रखी है कि आप अपने धर्म पर अमल भी करो और उसका प्रचार प्रसार भी करो, ये खूबी अच्छा है हमारे देश। मुझे एक चीज और बताइए कि आपने कहा कि जो जन्नत है उसमें काफिर नहीं जा सकेंगे, यानी नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनके साथ उठा बैठा नहीं जाएगा, उनके साथ खाया पिया नहीं जाएगा। तो आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बेशुमार वहां पे जो है वो नॉन मुस्लिम्स काफिर जिन्हें कहा जाता है हमारे यहाँ वो रहते हैं, कैसा लगता है आपको उनके साथ रहना, वो लोग कैसे हैं, आपके साथ उनका बर्ताव कैसा है, आपने उनको कैसा इंसान पाया? देखिए, अच्छे बुरे तो सब जगह हैं, आप ये थोड़े कह सकते हैं कि मुसलमान सारे के सारे बहैसियत इंसान होने में सब अच्छे हैं, बुरे मुसलमानों में भी हैं और बहुत अच्छे काफिरों में भी हैं, गैर मुस्लिमों में भी हैं। गैर मुस्लिमों में आपको एक एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जिसको देखकर लगता है हाँ भाई इंसान ऐसा होता है, तो ये कह देना कि भाई गैर मुस्लिम कैसे हैं और मुसलमान कैसे हैं ये तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं फिर मेरा मैं कहता हूँ सवाल नहीं आपसे, समझे आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ मैं कि कहाँ वो समझता हूँ आपका सवाल, आप तो बहुत डीपली बहुत डीप सवाल करते हैं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाता, नहीं, मैं आप बात तो मेरी सुन बात रहा सुने, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो नॉन मुस्लिम जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, जाहिर है मोहल्ले में होंगे, ऑफिस में होंगे, 10 जगह होंगे, तो उनको आपने अच्छा, कईयों को आप कह रहे हैं कि अच्छा इंसान पाया, तो जब वो इतने अच्छे इंसान हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि जब आप जन्नत में हो तो आपके वो दोस्त, आपके वो साथी जो यहाँ पे इतने अच्छे, वो भी हो? ये फैसला तो वो करेगा ना खुदा जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हिंदू मुसलमान, जिसने कुरान को मानना ना मानना, अल्लाह को मानना ना मानना, जब उसने बता दिया ये जन्नत है ये दोजख है, जो मानेगा जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा दोजख में जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अब कोई इसमें आया जन्नत से, कोई आपको भी जन्नत मुझे एतराज से, करने का, और सुनिए एक चीज और बता दूं, अल्लाह ने ये जो तकसीम की है, फिर आप कहेंगे कि आप तो अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते। जो लोग अकल का इस्तेमाल करते हैं ना, वो दुनिया में भी जूते खा रहे में भी जूते खाएंगे, और जो अल्लाह की बात को मानकर दुनिया में जिंदगी गुजारता है, उसकी इज्जत दुनिया में भी होती है और उसकी इज्जत आखिरत में भी होगी इंशाल्लाह, ये समझ लीजिए आप बात। जो लोग अकलमंद समझते हैं ना अपने आप को, वो अकलमंद नहीं है, अकलबंद है, अच्छा वो मंद इस्लाम समझते हैं में लेकिन है अकलबंद। क्या, एक चीज मुझे और बताइए मौलाना साहब, इस्लाम में क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, कहा गया है दाढ़ी रखने को, इसलिए कि हमारे यहाँ तो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, जितने लीडर आए इस्लामिक स्टेट में, किसी की दाढ़ी नहीं है, तो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा ये कि मतलब दाढ़ी होनी जरूरी है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है भी या नहीं, अच्छा इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान? बिल्कुल है, अगर अभी तक इस्लामिक तो है। स्टेट होता, अगर इस्लामिक स्टेट होता तो आप इस तरह जिस तरह मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं बैठी हुई, कर लेती हैं आप? बताइए आप मुझे, क्यों क्यों नहीं कर सकती इस्लामिक बाकायदा स्टेट? हिजाब के साथ आपको बैठना पड़ता इस्लामिक कोई स्टेट? जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल
अब तो सऊदी अरब भी बिल्कुल हटा रहा है इन चीजों को, अब तो सऊदी अरब भी उससे हट रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, जमहूरियत में आ ये रहा है ना, 2022 वो है। जमहूरियत में आ रहा है, वो हाँ जमहूरियत में आ रहा है, वो अपने आप को जमहूरी मुल्क बनाना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि मुसलमान वहां इस्लाम से हट रहे हैं, वो अपने मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना चाहता है। इस्लामी जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, और जी नहीं, मुझे तो कोई हर्ज नहीं लगता। आपके माने ना माने से क्या होता है सर? इस्लामी जमहूरी क्या होता है मुझे मतलब समझिए। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, मुझे बताइए इस्लामी जमहूरी क्या मतलब होता है। और भी कई जमहूरियत का कंट्रीज मतलब है ये है, इस्लामिक। सुनिए सुनिए, जमहूरियत का मतलब ये है जिसमें हर आदमी को अपनी तरह की जिंदगी, जो उसके मुल्क के कानून है उसके मुताबिक अपनी आजादी के साथ जिंदगी जीने का हक हो, यही हुआ ना जमहूरियत का मतलब। तो इसमें इस्लामी क्यों लगा रहे हैं आप? इस्लामी जिंदगी तो अल्लाह चाहिए है, मनचाही तो है ही नहीं इस्लामी जिंदगी। तो फिर जमहूरी इस्लाम, इस्लामी जमहूरी इस्लामी क्या मतलब हुआ इसका, मुझे समझा दीजिए आप। यहाँ पे इस्लामिक लॉ ही चलते हैं ना, आप सिर्फ हिजाब के पीछे आप हाँ पड़ गए इस्लामिक रूल हैं, चलते और हैं, क्या सिर्फ जिना हिजाब के करने पर, पीछे क्या जिना लेकर। करने पर संसार किया जाता है, क्या चोरी करने पर हाथ काटे जाते हैं, कहाँ वाह इस्लामी वाह लॉ वाह चलते वाह, हैं? वो 1400 साल पहले की बातें आप चाहते हैं कि अब उस पे अरे अमल किया जाए, कि लोगों के कुरान को हाथ झुठला काट देंगे दिए आप? जाए। ये कैसी बकवास अच्छा कर रही हैं आप बैठी हुई नहीं, टीवी पर? मेरी ये मेरी क्या बात बकवास सुने कर रही आप, हैं आप? ये मेरी 1400 साल पहले, कुरान बात तो आज सुने। भी नहीं, है ना, कुरान आप किसी के हाथ किसी आज काट नहीं है। सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मोहतरमा, मेरी बात देखिए सुनिए, मेरी मोहतरमा, बात सुन सुनिए। लीजिए एक बात, नहीं, मेरी ये जात के इस्लाम के ऊपर, नाम पे नहीं जहालत नहीं मत सुन लीजिए मेरी फैलाइए, बात, एक मिनट सुन लीजिए, इस्लाम के एक नाम मिनट पे सुन लीजिए, जहालत फैलाने एक में नहीं मिनट सुन दूंगी आप। लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी जात के ऊपर मेरे बारे में जितने आप लाचन लगाना चाहें, बुरा भला कहना चाहिए, कही आजादी आपको। कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में अगर इस तरह की हरकत आप करेंगी तो मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता, माफ कीजिएगा। आप मैंने आपसे ये कुरान कहा है, 1400, ये मत अच्छा कहिए मुझे कि इस्लाम बताइए, 1400 साल पुराना है, कुरान आज भी है, कुरान के लॉ आज भी वही है। ये अच्छा 1400 साल मेरी, पुराने नहीं है, आज भी लॉ वही है। अगर आपको नहीं मानना भाड़ में जाइए, आपकी कोई खुशामद नहीं कर रहा है कि आप मानिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1400 साल पुराना है। इस्लाम 1400 साल नहीं, पुराने का क्या मतलब है? आप तो चौदह फिर सौ आप उसी साल जमाने पहले में रहिए मोहम्मद साहब ना। आए थे, 1400 साल नहीं पहले हमारा आखिरी नबी आया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, आपको तो नहीं इस्लामी मैंने, तारीख का पता ही नहीं है, आप आप तो मेरी बात कुरान को सुनिए। जानती नहीं है। नहीं, सच अगर कहा था आप आपने पहले कि मैं अब तक मुसलमान हूं, सच कहा था शायद आपने, इस्लाम की तो हवा भी नहीं है आपको। मेरी बात इस्लाम सुनिए, क्या है, मेरे इस्लाम किसे मौलाना कहते साहब, हैं, इस्लाम किस चीजों को मानने के लिए कहता है, आपको तो हवा भी नहीं है उन चीजों की, मौलाना साहब, आप तो एक अगर नास्तिक मौलाना जिंदगी साहब, जी रही हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मौलाना साहब आराम से, इस्लाम को मत कहिए, माफ कीजिएगा, सुनिएगा, अगर आप 1400 साल कुरान को पहले, आपने कुछ अगर कहा, आप, मैंने अगर कुरान कुरान को को कुछ भी आपने कहा कुछ है, कहा, अगर इस्लाम को आपने कुछ कहा, तो मैं अभी फौरन कट कर दूंगा, माफ कीजिए। मैंने कुरान को कुछ भी नहीं कहा है। मैं आपसे ये कह बात रही हूँ कीजिए, कि बात कीजिए, चौदह अगर आपने सौ जर्नलिज्म साल को पढ़ा पहले है, की बात, अगर चौदह सौ आपने साल जर्नलिज्म को पढ़ा है तो जर्नलिज्म के हिसाब से सवाल कीजिए, आप जाहिलों की तरह बात मत कीजिए। मैं मैंने जाहिल में जर्नलिज्म बात को नहीं कर पढ़ा है, रही, आप आप वो मुझे टॉपिक पे नहीं है, नजर टॉपिक है, मुझे नजर आपने है। कहां से शुरू किया था और कहां आप लेकर आ गई, ये अच्छा जर्नलिज्म है, अच्छा यही मुझे एक आपको चीज और जर्नलिज्म बताइए, सिखाता है, अच्छा मुझे, अच्छा यही मुझे एक आपको चीज और जर्नलिज्म बताइए, सिखाता है। जर्नलिज्म मुझे सवाल जर्नलिज्म का करना तरीका सिखाता है। यही है, किसी से इंटरव्यू करने का, किसी से बात करने का, क्या जर्नलिज्म यही सिखाया पढ़ा जाता है, मुझे बता दीजिए। कहीं थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम कहीं इंटरव्यू कहीं कर रहे करोड़ा हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप मेरी बात हमको तो सुनिए। जर्नलिज्म की हवा अच्छा भी आप नहीं मुझे है, माफ बताइए, कीजिए। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको है, मुझे नहीं है, मैं वाकई में, मुझे जर्नलिज्म नहीं आती। नहीं, आप कीजिए, मैं तरीके एग्री से सवाल करती हूँ, कीजिए ना, मैं आपके मैं साथ बैठा आपसे हुआ हूँ एक सवाल घंटे कर से, रही हूँ, मैं मैं अपना वक्त आपसे दे रहा हूं सवाल आपको, कर रहा आपके हूँ, सवालों का बिल्कुल। जवाब देने के लिए ही दे रहा हूं, लेकिन तो अगर आप आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तजहीक है तो फिर मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, माफ मैंने कीजिए। इस्लाम की तस्दीक नहीं की है, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कोशिश कि करती चौदह हैं आप, कई चौदह बार सौ कोशिश करती साल हैं आप, पहले जो चीज आप है, कोशिश ऐसे करती हैं कई बार, तो फिर आप जब हज उमरे पे जाते तो आप लोग ऊंटों पे जाया करें ना, आप लोग क्यों जहाज इस्तेमाल करते हैं? उस भी तरह से यही तो जाइए अकल जैसे नहीं उस है आप जमाने लोगों में को, जाया करते थे। यही तो अकल नहीं है आप लोगों को। उस वक्त में हवाई जहाज था क्या? तो अगर उस हवाई वक्त जहाज भी होता तो तो उस वक्त भी लोग हवाई जहाज में सफर करते, मौलाना अगर साहब उस वक्त उस, हवाई जहाज होता तो हवाई जहाज में उस वक्त भी लोग सफर करते, यही तो अच्छा अकल नहीं उस है वक्त आपको, देखे, उस यही वक्त तो बेतुके तो सवाल करते हैं आप आपने लोग। आपने आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे पिछले शो में कहा अगर उस वक्त कि हवाई जहाज होता तो उस वक्त भी हवाई जहाज में सफर करते लोग,
वो भी काफिरों ने लेकिन उस बनाया वक्त में होता, हवाई जहाज नहीं मुसलमानों ने था। नहीं बनाया होता, वो भी अरे काफिरों ने मुसलमानों इजाद ने किया नहीं बनाया होता, था, आज मुसलमानों ने बनाया है हवाई जहाज, मुसलमानों ने नहीं बनाया, यही आज तो कह मुसलमानों रही ने हूं। बनाया है, कब आज बनाया है, मुसलमानों ने बनाया हवाई जहाज। कब बनाया मुसलमानों ने हवाई जहाज? तो मुसलमानों ने आप तो कह नहीं रहे ना कि बनाया, उस वक्त काफिरों ने मुसलमानों ने बनाया। नहीं बनाया, मैंने कहा उस आप कह वक्त रहे भी ना उस वक्त काफिरों ने ही मुसलमानों ने बनाया नहीं बनाया, होता। उस वक्त वसाइल थे, उस वक्त खाने के लिए तो रोटी तो थी नहीं, पहनने के लिए पूरा तन पे कपड़ा तो था नहीं। आप हवाई जहाज की बात कर रही हैं, आपने तो इस्लामी तारीख को ही नहीं पढ़ा। आपने तो चले आप बना लेना कुछ, आप कोई वैक्सीन ईजाद कर लें, कुछ कुछ तो क्या ईजाद बना करें। दिया, आपने क्या बना दिया अब तक? मैं यही आपने तो कोई कह रही हूँ, कारनामा किया? कोई तीर मारा मुसलमानों आपने? की बात कर रही हूँ, नहीं किया ना, आपने कोई वही तो तीर कह मारा? रही अभी तो अपने आपको मुसलमान कहती हैं, आपने कोई तीर मारा? आपने हूँ कोई ऐसा मैं। काम किया जिससे ये कहा जा सके कि आरजू मोहतरमा ने मुसलमान होकर इतना बड़ा काम कर दिया? कोई तीर मारा आपने? मैं मुसलमानों की बताइए, आंखें खोल रही हूँ, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है, लेकिन आप दिमाग अपनी भी आंखें खोलने खोल की लीजिए कोशिश पहले, कर रही हूँ, मैं देखा अपनी दिमाग भी आपकी खोलने की आंखें नहीं कोशिश कर खुली। रही हूँ। जिस अच्छा आदमी मुझे की ये आंखें बताइए, बंद होती हैं वही आदमी कहता है मैं दूसरे की आंखों खोल रहा हूं। बिल्कुल जिसकी ठीक है, खुली होती है आप ना, वो तो सही कह खुली रहे आंखों से सबको हैं। देखता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौलाना साहब, लास्ट शो में आपने मुझे कहा था कि फिल्म देखना हराम है, फिल्म में काम करना हराम है, तो ये कहाँ पे लिखा है? इसलिए कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि फिल्म को देखना पढ़िए, हराम शरीयत है। को पढ़िए, कुरान को शरीयत पढ़िए। में तो अगर आपके पास आपका कुरान नहीं है, सिनेमा तो अगर था ही आपके नहीं, पास कुरान नहीं है, मैं सिनेमा भिजवा देता तो हूँ। जिस कुरान जिस जमाने में लिखा गया उस जमाने में तो सिनेमा था ही नहीं, तो एक चीज जो मौजूद ही नहीं थी वो हराम कैसे नाच हो गाना गई? उस वक्त भी होता था, आपको यही पता नहीं? हाँ नाच गाना उस वक्त फिल्म भी की होता था, बात, नाच गाना उस वक्त भी होता था, लेकिन आपको आपको मैं ये यही जरूर पता नहीं है? कहूंगी, लेकिन मैं मैं आपको ये यही तो जरूर कहता हूं कि कहूंगी, तैयारी के साथ बैठा कीजिए। नाच तैयारी के साथ ही बैठी हूँ मौलाना साहब, गाना आपने उस वक्त भी फिल्म की होता बात था, की थी। उस वक्त भी लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, ये सोच करके शर्म होगी किसी को दामाद बनाने में। उसमें फिल्म कहाँ इस्लाम से ने आ इन्हीं चीजों को तो गई? मना किया है, अच्छा खैर आप इस्लाम ने शोले इन्हीं जरूर चीजों को मना देखिएगा, ये किया देखिए मैं आपका पिक्चर दिखा रही हूँ, ये शोले आप जरूर देखिएगा, ये देखे बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इतनी जबरदस्त फिल्म है। इसके डायलॉग पूछे जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे इसके डायलॉग, मुझे पूरे याद है, तो आप शोले है। जरूर लानत देखिएगा। आपके ऊपर, लेकिन लेकिन लानत आपके मुझे ऊपर जो ये कहते हैं फरिश्ते, ये पूछेंगे लानत आपके ऊपर, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, मेरी लानत, तमाम मुसलमानों की लानत। और बताइए, और फिर भी मैं कहूंगी शोले जरूर देखिएगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आप मुझे ये ये मेरी आखिरी बताइए, बाइट काट कर, आप मेरी आखिरी बाइट काट कर वायरल करेंगी जरूर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुसलमान ये कहे कि फरिश्ते फिल्म का सवाल करेंगे, उस पर अल्लाह की लानत एक बार नहीं, लाखों करोड़ों बात है। आपको क्या पता क्योंकि क्या फरिश्ते फरिश्ते पूछेंगे। मासूम हैं, फरिश्ते मासूम हैं, गुनाह का कोई काम वो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर गुनाह गुनाह करने का नहीं मादा ही है, नहीं है। आपका तो यही पता नहीं है मोहतरमा, कहां कौन सी दुनिया में अच्छा रहती हो आप? मुझे मुझे ये कुछ बताइए, तो पढ़ लीजिए, नहीं मेरे पढ़ अरे लूंगी पढ़ लूंगी, कुछ बेफिक्र हो तो जाइए, पढ़ आप लीजिए। इतने पढ़े लिखे इस मुझे तरह मिलकर की मुझे क्या बेहुदा जरूरत बातें है, मैं जर्नलिज्म में आपसे कौन क्या सिखाता है आपको? कहां से हो आपने गया, जर्नलिज्म इसके पढ़ा है? शोले में क्या बेहूदगी है? उसमें तो कहां, बल्कि ये जो बेहूदगी नहीं है? आप कह रही एक हैं कि फरिश्ते साहब, सवाल करेंगे शोले के लिए, ये नहीं बेहूदगी मैंने कहा नहीं है? अगर मेरा बस ये चले, मैंने कहा अगर जर्नलिज्म है, मेरा बस चले, ये मैंने कहा अगर जर्नलिज्म मेरा है। बस चले, नहीं मैंने नहीं कहा ये अगर मेरा बस जर्नलिज्म चले है। तो पूछे शोले के लिए वाह वाह पूछेंगे। वाह, अगर ये अच्छा मुझे ये जर्नलिज्म है तो बताइए, आपको मुबारक, अगर ये जर्नलिज्म है तो आपको मुबारक। अच्छा मौलाना वाह साहब वाह मुझे वाह, मुझे एक चीज धन्य और हो गए बताइए। हम तो अच्छा आपके साथ बैठ के, कोई धन्य हो गए आपके साथ बैठ के। हमें बात नहीं, कोई नहीं बात पता नहीं, था कि जर्नलिज्म थैंक ऐसा भी यू, होता है। क्या मुझे ये बताइए बात, मौलाना साहब, मुझे ये आप बताइए कीजिएगा, अगर कि जातियात में कोई आपकी गलती हुई हो, आपको जाती तौर पर मैंने कुछ कहा, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई हर्ज नहीं, कह सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस्लाम में कहा गया है कि बुतों की पूजा करना या उनके आगे हाथ जोड़ना या जैसे उनसे दुआ मांगना या सामने खड़े होना, ये सब मतलब मना है, तो फिर हजरे अस्वद जो है, हजरे अस्वद को क्या कहेंगे? वो भी तो पत्थर ही है ना, उसके आगे भी लोग हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं, चूमते हैं, वो क्या है? और दूसरा कहा जाता है कि क्योंकि मूर्तियों को हाथ से बनाया जाता है, इस वजह से उनको उनकी आगे जो है वो दुआ नहीं मांगी जा सकती या उनको पूजा नहीं समझ जा गया आपका सकती। सवाल, तो सर ओके जवाब। खाने काबा को भी तो इंसान ने ही बनाया ना, खाने काबा ऊपर से आसमान से उतरा है, तो वो भी तो हाथ से ही बना हुआ है, तो ये मतलब दो चीजें आप मुझे बताइए सुनिए कैसे सुनिए, हैं। हाँ सुनिए, एक तो फिर ये समझ लीजिए कि शरीयत जो है वो दीन का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम है, ये समझ लीजिए नंबर एक। दूसरे, हजरे असवद को के सामने हाथ उठाकर कोई फैल दुआ नहीं मांगता, ना हजरे असवद के सामने उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता कोई, सुनिए मेरी बात। और हजरे असवद को चूमते किस लिए हैं?
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था अपने जमाने में, ये कहा था कि ए हजरे अस्वद, मैं जानता हूं तू खालिस पत्थर है, मैं सिर्फ इसलिए तुझे बोसा देता हूं कि मेरे आका ने तुझे बोसा दिया है, यानी एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए। और यूं कहा है शरीयत में, मसला यह है कि अगर किसी को धक्का मुक्की करके वहां तक पहुंचना पड़े तो नाजायज है, हराम है वहां तक पहुंचना, नहीं पहुंचना चाहिए वहां तक, क्योंकि मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। और वो सिर्फ सुन्नत अमल आप करने जा रहे हैं हजरे अस्वद को चूमने के लिए। तो मैं फिर कहता हूं कि शरीयत को जो लोग नहीं पढ़ते, शरीयत को जो लोग नहीं जानते, वो इस तरह के बेतुके सवालात करते हैं। और जो गजवाए हिंद की बातें की जाती हैं, आपके ख्याल से गजवाए हिंद होना चाहिए, क्या होगा, समझते हैं? पाकिस्तान के आलिमों से पूछिए, वो भी तो हिंदुस्तान में से निकले हुए हैं, तो आप बताइए ना, आपको वो बात सही लगती है गलत लगती है? मैं तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान का आलिम हूँ, मुझे तो पता नहीं गजवाए हिंद क्या है, पाकिस्तान के आलिमों को पता होगा। आप भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए तो। लेकिन खैर, बता दीजिए कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं बता दीजिए। गजवाए गजवाए हिंद के हिंद तो कहाँ बहुत लिखा हुआ जिक्र है? होता रहता है, और कहाँ आपने लिखा तो हुआ कहा है? था कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई है उसके ऊपर भी आपने कहा था कि दोबारा से बना दी जाएगी, कोई गजवाए हिंद हो आएगा। गया और उससे, नहीं, वो गजवाए उसका हिंद उसका उससे मतलब गजवाए उससे हिंद है। रिलेटेड, उससे गजवाए हिंद का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बात कर रही हूँ। वाह रे जर्नलिज्म, वाह रे जर्नलिज्म, तेरी किस्मत पे नहीं, रोना आया। आपकी बात पे कहां जब मैं कहां, आपकी बात आपको याद नहीं दिला मेरे रही हूँ, सवाल से आपने गजवाए हिंद हिंद का कहा क्या था, और ताल्लुक भाई? मैं तो आज भी कह रहा गजवाए हूं, हिंद जो है, मैं तो आज भी कह गजवाए रहा हिंद हूं उस बात आपने को, नहीं पढ़ा, लेकिन उसका गजवाए हिंद से क्या लेने देना। गजवाए हिंद का आपको क्यों नहीं पता? मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों बातों को मैं इसलिए अच्छा मिक्सअप कर कहाँ रही है, हूँ कि कहाँ लिखा आपको हो, कौन सी गजवाए किताब हिंद में है गजवाए हिंद बता दीजिए ना, कौन सी किताब में नहीं, लिखा है हमारे गजवाए हिंद? यहाँ तो जिक्र होता रहता है ना गजवाए हिंद का, कि अरे गजवाए कौन सी हिंद होनी किताब में है, लिखा तो है, हम इसे क्या जिक्र होता है सपोर्ट उसका, करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका कोई सियाको सबाक भी तो पता होगा, बताते होंगे आपके आलिम, कौन आपको नहीं सी किताब मालूम? में लिखा है, कौन सी किताब में नहीं, नहीं अगर लिखा आपने है, कहां जवाब नहीं देना तो से फिर आप पढ़ा है किताबें उन्होंने? पूछना शुरू करेंगे। अरे तो मैं कम से आपको कम मैं मेरी पढ़ूंगा, गजबे जब में भी आपको तो किताब आपने कहा ना कि पूछूंगी। पढ़ लो, अच्छा चलिए, आपने आपको कहा ना गजवा मालूम, इनको पढ़ लो, जब भी तो पढ़ूंगा जब मुझे पता चले कौन सी किताब में है। भेज चले अगर आपको मालूम ही नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी। वैसे भी आपका रोज का भाषण तो मुझे मिलता ही दीजिए, रहता है व्हाट्सएप भेज व्हाट्सएप पे, दीजिए मैं मुझे। आपको भेज दूंगी बिल्कुल। लेकिन हाँ यहाँ बिल्कुल से भेज बिल्कुल, दीजिए, लेकिन किताबों के हवाले के साथ आपने भेज दीजिएगा। आपको एक वीडियो और दिखानी थी मौलाना साहब, आपकी इजाजत से, अगर आप हाँ परमिशन दें। बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ऐसे 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 जो ही पर्दा हटेगा तो एक और जन्नत उसके सामने खुल जाएगी, और सामने तख्त पर एक लड़की यूं करके बैठी हुई होगी, उसके जिस्म पे 100 जोड़े होंगे, 100 जोड़ों में हर जोड़ा अलग नजर आ रहा होगा, हर जोड़े के लिहाज से चेहरे पे मेकअप की लहरें उठ रही होंगी, हर जोड़े की खुशबू अलग महक रही होगी, हर जोड़े का डिजाइन अलग अलग नजर आएगा। मेरे कुर्ते के नीचे बनियान नजर नहीं आ रही, उसके 100 जोड़े नजर आएंगे, 100 जोड़ों के पीछे उसका पूरा जिस्म देखेगा, और जब उस पर पहली नजर पड़ेगी तो उसकी आंखें फट जाएंगी, और वहीं स्टन ऐसे होकर कितनी देर देखेगा भाई? 40 साल बैठ के देखता रहेगा, 40 साल आंख नहीं झपक सकेगा। आखिर वो बोलेगी, अमाल कफीना मिन रग़बतिन, अब मेरे पास नहीं आएंगे, दूर ही बैठे रहेंगे। फिर उसको होश आएगा, अरे तू कौन है? कहेगी मैं आपकी। जी ये जो नक्शे खींच रहे हैं, 100 लिबास पहने होंगे फिर भी अंदर से बॉडी नजर आ रही होगी, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं इस तरह की बातें करके? लोगों को किस तरफ ले जाया जा रहा है? मैं जवाब आपका मुख्तसर चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम है। जी जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है, और किधर ले जाया जा रहा है? जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है। ये इसमें आपका हंसने फोन जैसी क्या शायद बात बज रहा है, है? आपका फोन आ रहा है शायद नहीं, मौलाना साहब, इसमें हंसने जैसी क्या बात है, मुझे बताइए, इसमें रोने हंसने जैसी जैसी क्या बात है बात वैसे, है? लेकिन मैं तो हंस के काम चला रही हूँ, रो नहीं सकती। नहीं, लेकिन हंस के तो ये आप इसलिए काम चला रही हैं क्योंकि आप ये हंसी फिर काट के दिखाएंगी कि देखो मौलाना को हंस के हमने बेवकूफ बना दिया। ऐसा आप सोच है रहे ना हैं, आपका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने मुझे बेवकूफ पता बनाया है ना क्या? आपका, पहले भी ठीक है, आपने मैं 72 रंगों पर अपनी हंसी को ही दिखाया था सबसे ज्यादा, और मैं लोग तो देखते हंसती हैं, हूँ, मैं तो हर काफी मोमेंट में पसंद हंसती किया हूँ, गया मेरी उसको, तो आदत है, मेरी मेरी मुझे तो ये हंसने काफी की पसंद आदत किया है। गया उसको, नहीं काफी मैं पसंद किया गया आपकी हंसी को।
जी मैं तो वैसे भी हर डिबेट में हंसती हूँ, मैं तो टीवी पे भी हंसती हूँ, आप देख लिए मैं नहीं, काफी टीवी पर पसंद किया आके। गया आपको जी बस ये। तो ये होरों का जो तस्वर है, देखिए जब आदमी दुनिया के अंदर किसी लड़की से प्यार करता है, तो आप प्यार को समझते हैं? प्यार क्या है? नहीं मुझे नहीं पता, प्यार आप है, बताइए। प्यार है एक दूसरे में खो जाना। प्यार का मतलब ये है, उनको दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती। जैसा मैंने प्यार को पढ़ा है कि हाँ प्यार ऐसा होता है कि प्यार अंधा होता है, उसको फिर पता नहीं रहता, दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है। हदीस में, कुरान में भी अल्लाह वालों की ये सिफात बयान की गई हैं कि जो आदमी अल्लाह के इश्क में मुबतला हो जाता है और दुनिया व माफिया से बेखबर होकर, यानी जन्नत के लिए वो अच्छे अमल करता है, नेक काम करता है, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत में जाकर उसको ये नजराना देंगे और उनमें हूरें होंगी, हूरें ऐसी ऐसी होंगी। कुरान में सब जिक्र है, इसमें मुझे बताने में कोई आर नहीं है, ना इसमें कोई ये है कि भाई मैं आपको कोई छिपा रहा हूं, नऊज बिल्ला। आप पढ़िए कुरान को, वहूरुन ईन कामसाल लुलुई मकनून जजा अम बिमा कानू यामलून। ये उस चीज की जजा है जो दुनिया में इंसान करके आएगा, कुरान कहता है इस चीज को। अगर कोई मुसलमान कुरान पर नाउज बिल्ला रत्ती बराबर, रत्ती बराबर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, रत्ती बराबर शक की निगाह से कुरान को देखेगा, उसका ईमान कहीं बचता नहीं है मोहतरमा। तो कुरान में जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर मौलाना तारिक जमील उस हूर का नक्शा खींच रहे हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, कुरान ने खींचा है नक्शा उसका, कुरान ने बताया वो हूरुन ईन कामसाल लुलुई मकनून। मतलब इस मौली तरह की तारिक जमील ने बेचारे ने बदतर, क्या कर दिया, इस कोई तरह की गलत बात थोड़ी बदतर कह हो दी रही उसने। है है। आप भी तो मतलब पहले तो आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको भी वहां वो बात हुरें जो चाहिए हैं क्या? पहले तो ये सीमन बातें है, कीजिए, लेकिन पहले तो ये आप तय कीजिए। मुझे आप पिछली बड़ी बार भी ललचाई आपने हुई तो नजरों से सवाल आप एक करती हैं, मिनट, हाँ नहीं, नहीं आप मुझे ऐसा बड़ी कुछ ललचाई नहीं हुई है। नजरों से ये सवाल करती हैं, तो कहीं 72 मरद आपको भी चाहिए क्या? वहां ये बता दीजिए। चलो मैं बता दूंगी, सोच के बता दूंगी, लेकिन आप पहले ये बताइए ना कि फिर आप लोग दुआ जो करेंगे हैं वो आपके लिए। बहत्तर बहत्तर हूरे आप जो हैं बात करते हैं, 72 हूरों की आपने मुझे सरदार भी बना दिया था, बल्कि शोले से मुझे याद आया कि वो उसमें एक कैरेक्टर है, वो कहता है कि जी सरदार ये उसका नाम है, वो कहता है ऐसी बात सुन के आपको क्या लगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, ये डायलॉग भी बड़ा मशहूर है उसका। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये इस तरह की बातें आपको खुश सुनाकर करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को क्या आपको सिखाना या आप चाहते हैं, जैसे लोगों को, और सुनिए, आपको या आप जैसे लोगों को, जिस तरह के लोग आप अपने टीवी पर बैठकर मौलवियों का मजाक उड़वाती हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बिठाकर, मुझे ऐसे लोगों को खुश करने की जरूरत भी नहीं है। और ये आप देखा है अगर खुश हो जाएंगे आपने, या आपके ये मानने देखा है वाले खुश आपने, हो जाएंगे, ये तो देखा, ये आप हमारे मुझे लाल बताइए मस्जिद क्या वाला मौलवी पकड़ा गया था हिजाब के साथ। नहीं, मुझे हो कोई गया। ऐसी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, ना मैं ये मजाक पाकिस्तान उड़ा रही का हूँ, मैटर है, और लाल ना मस्जिद का जो मैं, मैटर है, ये और ना पाकिस्तान का ये आपका मैटर भी है, हो ये सकता है, ये आपका भी हो सुनिए सकता है सुनिए जो आप लोग। अच्छा एक सुनिए, लास्ट 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 लाल क्वेश्चन मस्जिद आपको, का मैटर, लाल मस्जिद का मैटर वो आपकी यहाँ का मैटर है। आप उनसे पूछिए कि वो उनके क्या हालात थे, क्यों भागे हुए ऐसे, क्यों उन्होंने बुरखा पहना, वो बताएंगे, मुझे तो पता नहीं, मैं नहीं मैं जानता ये लाल कह मस्जिद में रही क्या हूँ हुआ। कि आपने खुद भी कहा कि मिसयूज हो सकता है हिजाब का, खैर हम हिजाब की बात नहीं कर रहे, लास्ट में मैं बस होता है, वो यहाँ भी एक होता है, इंडिया में भी होता है। एक वीडियो में आपको और दिखाना चाहूंगी, लास्ट बस एक वीडियो और आखिरी सवाल उसके बाद। हम शर्मिंदा नहीं है, इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप के अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड 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 कहाँ जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान,
आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बद्यांती नहीं की। जी ये थे मौलाना तारिक जमील जो कह रहे थे कि ब्रांडेड 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 ऐसा करके लोग जो हैं अपने आप को छोटा कर लेते हैं। और ये जो वीडियो थी ये मौलाना तारिक जमील के ब्रांड की वीडियो थी और लॉन्च उन्होंने किया था एक बहुत बड़े स्केल पे और करोड़ों रुपए उस पर लगे और उनके यहाँ का एक एक हिजाब या अबाया जो है वो 23,000 या 24,000 का मिलता है वो भी सेल में। और बातें करते हैं सादगी की, बातें करते हैं कि ब्रांडेड पे ना जाओ, दिखावे पे ना जाओ, ऐसी घड़ी ना पहनो, ऐसे कपड़े ना पहनो, और कहना कुछ करना कुछ, ऐसा क्यों है? देखिए बात सुनिए, एक तो पाकिस्तान के किसी मौलवी की बात मुझसे मत कीजिए। पाकिस्तान के मौलवी तो जिहाद भी सिखाते हैं, हिंदुस्तान में हमले भी करवाते हैं, उस पर तो मुझसे बात मत कीजिए। दूसरी बात, मैं आपके शरह सदर के लिए एक बात कह देता हूँ। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम हुए हैं हमारे यहाँ, जो देवबंद की जिन्होंने बुनियाद रखी थी, दारुलूम देवबंद की। उनकी एक बार किसी अमीर जादे ने, उस वक्त के नवाब ने दावत कर दी हजरत के एजाज में, चूंकि उनका नाम बहुत था, बड़े आलिम थे, तो आप जैसे कपड़े पहने हुए बैठे थे जो कि तू उन्हीं कपड़ों में चल दिए दावत खाने के लिए। और आगे उस नवाब जादे ने बड़ा एहतमाम किया हुआ था, बड़ा टेंट वेंट लगवाया हुआ था, वहां दरबान खड़े कर रखे थे और बड़ा बड़ा हशम व खदम के हिसाब से उसने इंतजाम किया हुआ था। हजरत वहां पहुंचे गेट पर, दरबान ने कहा भाई कौन? कहा मैं कासिम नानोतवी। कहा ऐसा चलो वापस चलो, बहुत कासिम नानोतवी देखे हमने, ऐसे हमारे पास बीसीओ आते हैं रोजाना कहने के लिए कासिम, अब जाओ वापस, यहाँ कासिम नानोतवी साहब की दावत है, तुम्हारी नहीं है, जाओ। उनके कपड़ों को देख के उनको वापस कर दिया। वापस गए, अच्छे कपड़े पहन के आए, शेरवानी वगैरह। वहां गए तो वही दरबान जो है अच्छे कपड़ों को देखकर उनको अंदर ले लिया कि भाई ये तो मौलाना कासिम नानोतवी हैं। तो हजरत जब वहां जाकर बैठे तो दस्तरखान पे जब खाना खाने बैठे तो खाना खा नहीं रहे थे आप, लुकमा उठाया, कभी शेरवानी को यहां लगा रहे हैं, कभी यहां लगा रहे हैं, कभी यहां लगा रहे हैं, कभी कहीं लगा रहे हैं, कपड़ों को लगा रहे हैं। लोगों ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं आप? कहा भाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं आया था पहले बोसीदा कपड़े पहनकर, तो मुझे अंदर घुसने तक नहीं दिया किसी ने। जब अच्छे कपड़े पहनकर आया तो मुझे आने दिया, अब मैं दावत में बैठा हूं तो इसका मतलब ये दावत मेरी नहीं है, ये दावत तो कपड़ों की है। ऐसा ही एक वाकया मिर्जा गालिब का भी है, नवाब हैदराबाद ने मुशायरा कराया था, उसके साथ भी बेचारे की यही हुआ। तो मौलाना तारिक जमील या मौलवी जो भी कहता है कि इन चीजों पर न जाओ, वो ये कहता है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, दीन ईमान अपनी जिंदगी में ले आओ। कुरान ये कहता है वा अंतुमुल आला इन कुंतुम मुमिनीन, सारी दुनिया में तुम जाने जाओगे। जी अब हो गया, सारी दुनिया में तुम पहचाने जाओगे, सारी दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगी उस वक्त जब तुम सच्चे पक्के मोमिन होगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु जब कैसर व किसरा के दरबार में पहुंचे तो वहां दस्तरखान पे बैठे, निवाला नीचे गिर गया, हजरत ने उठाकर उसको खाना चाहा। कुछ लोग जो साथ में बैठे थे हजरत को ऐसे कोनी से इशारा, अरे क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े बादशाह बैठे हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु ने जो जुमला कहा था वो आज भी सोने के पानी से लिखने जैसा है। उन्होंने कहा था कि ए लोगो, हम जलील खार थे इस्लाम आने से पहले, हमारी कोई वक्त कोई इज्जत नहीं थी, इस्लाम ने हमें इज्जत दी है, इस्लाम ने हमें बड़ा मर्तबा दिया है। आज कैसर व किसरा जो हमारे जूतों के नीचे हैं वो इस्लाम की वजह से हैं, ईमान की वजह से हैं। और याद रखो जब तक ईमान तुम्हारी जिंदगी में रहेगा तुम इसी तरह सरबुलंद रहोगे। जिस दिन इस्लाम को ईमान को छोड़ दोगे, कपड़े तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे आ जाएंगे लेकिन 2% की तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। आज जो लोग ब्रांडेड चीजें पहनकर और अपने आप को 1-2 लाख के सूट पहनकर ये समझते हैं ना कि मैं बड़ा, आजकल के कुत्ते खाते हैं 1-2 लाख रुपए के बिस्कुट रोजाना, इंसान की हैसियत क्या है मोहतरमा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही दिखा रही थी कि मौलाना साहब ने अपना खुद का ब्रांडेड बोल के अपना ब्रांड निकाल लिया। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा मुझे लास्ट में मौलाना साहब क्या दुश्मनी है कि हर डिबेट में आप उनकी बात जरूर करते हैं,
पता नहीं कोई गहरा जख्म दे दिया मौलाना तारिक जमील ने आपको शायद। नहीं मैं तो मुझे तो दोनों तरफ से मौलाना एक जैसे लगते हैं। सुनिए, कोई डिबेट आपकी ऐसी नहीं जाती कि मौलाना तारिक जैसे जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान जब एक दूसरे सियासतदान तकरीर करते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नाम लिए बगैर उनकी सियासत नहीं चलती, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सियासत नहीं चलती, तो ऐसे ही कोई भी डिबेट मेरी तो ऐसी गई नहीं जिसमें आपने तारिक जमील का नाम ना लिया हो। नहीं ऐसा तो नहीं है, ये चैनल तारिक जमील की बुराई कर करके आपने बना लिया हो? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मुझे लास्ट में ये बताइए क्यों छोड़ दीजिए जी, अगर लोगों को गलत रास्ता दिखाएंगे तो हम तो बोलेंगे। एक बात बताइए। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है आपके सवाल लेने का, मैं लास्ट एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। एक सेकंड देखिए, 1,24,000 पैगंबर बताए गए हैं जो भेजे गए जमीन पे, आप कौन में से 500 के नाम आते हैं या 1,000 के नाम आते हैं, या आप या अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि राम जी और महात्मा बुद्ध जिनके मैंने स्टैचू लगा रखा है आपके ख्याल से क्या वो भी पैगंबर थे? मुसलमान तो आप भी हैं, आपको कितनों के नाम याद है? भाई मैं मौलाना तो नहीं हूँ ना, मुझे तो दो नाम भी याद नहीं। मुसलमान तो है ना, मुसलमान तो है ना, आपकी तरह तो नहीं हूँ ना, मजहब के साथ तो नहीं हूँ ना, हाँ हूँ मुसलमान तो है ना, हाँ हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या राम जी और महात्मा बुद्ध भी पैगंबर थे? आपको क्यों याद नहीं? मुझे क्यों याद हो, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, कोई मौलाना या रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। आप मुसलमान ही, सुनिए, जब बच्चा पैदा हो तो मौलवी की जिम्मेदारी उसे कान में अजान पड़े, जब तुम मर जाओ मौलवी की जिम्मेदारी तुम्हारी नमाज पढ़ाए, मतलब सारी जिम्मेदारी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको आपको पैगंबर हमारी बहन से मुसलमान होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको पैगंबरों के नाम नहीं आते छोड़ दीजिए, हमारी बहन से मुसलमान होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं आप मुझे पैगंबरों के नाम बता दीजिए। नहीं आप मुझे बताइए ना, तुम्हारी बहसियत मुसलमान होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं मैं इस बात पैदा हो तो तुम्हारे कान में अजान भी हम पढ़े, तुम मर जाओ तुम्हें दफनाए भी हम, निकाह भी तुम्हारा हम ही कराए, तो तुम्हारी क्या जिम्मे, तुम क्यों आए हो दुनिया में भाई, तुम किस लिए आए हो भाई? पैसे लेते हैं ना आप उन सब बातों के, फ्री में करते हैं क्या? अजान देने का भी पैसे लेते, निकाह के भी पैसे लेते, जनाजा पढ़ने का भी पैसा लेते, बिल्कुल लेते, ना मैं अजान पढ़ने का पैसा लेता, ना मैं निकाह पढ़ाने का पैसा लेता, ना मैं नमाज पढ़ाने का पैसा लेता, मैं अपनी ड्यूटी का पैसा लेता हूँ। नमाज का पैसा ना कोई दे सकता, ना कोई नमाज का पैसा ले सकता, माफ कीजिएगा, आप कैसे मुसलमान है जो नमाज का पैसा दे देते हैं, अजान का पैसा दे देते हैं? अरे आप नहीं दे सकते, आपकी हैसियत नहीं कि आप अजान का पैसा दे दें, आपकी हैसियत नहीं कि आप नमाज का पैसा दे दें, आपकी औकात नहीं है इतनी कि आप नमाज का पैसा दे दें। नहीं क्या बात, आप पैसे लेते हैं, कहता हूं कि आपको जर्नलिज्म की हवा भी नहीं है। अरे जर्नलिज्म कहां से आ गई इसमें, हमारे मौलाना पैसा लेते हैं, जनाजा पढ़ने का भी पैसा लेते हैं, निकाह पढ़ने का भी पैसा लेते हैं, अजान का भी पैसा लेते हैं, मौलाना तो हमारे हर चीज का पैसा लेते हैं। मुझे छोड़े, आप मुझे ये बताइए राम जी और महात्मा बुद्ध पैगंबर थे या नहीं, वो छोड़ दीजिए, आपको पता है मुझे कुछ नहीं पता, जर्नलिज्म की ए का भी पता नहीं, माफ कीजिएगा, जर्नलिज्म जे से शुरू होता है ए से। और आइंदा सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ, मेरे चार चार अखबार निकले हैं, मैं नाम बता देता हूँ, आलमी इनकलाब नाम से मेरा पेपर निकलता था, मुल्क की इमामत के नाम से मेरा पेपर निकलता था, आजाद हिंदुस्तान के नाम से मेरा पेपर निकलता था, मैं जर्नलिस्ट हूँ, बिल्कुल आपको तो हवा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे हवा नहीं लगी, इस तरीके के आपके सवाल हैं, बेतरतीब अच्छा, सवाल है आप, बिल्कुल यानी अच्छा, आपको कोई मसाला ना मिले आप कहीं से भी मसाला ढूंढ के लाएंगी, मुझे कहीं से मसाला ढूंढने की कोई, अरे मोहतरमा अच्छा, आपकी डिबेट को देखिएगा, आप कोई कलेक्टिव बात की, ऐसी बात कीजिए जिसको आपके व्यूअर देखकर उनका ज्ञान बढ़े। मैं ज्ञान ही बढ़ा रही हूँ, कहीं आपके कान में अजान पढ़ने से मना कर दी,
कहीं आपका जनाजा पढ़ने से मना कर दिया तारीख जमे, क्या कर दिया आखिर उस बेचारे ने? अभी मरी नहीं हूं मैं, जब मरूंगी फिर देखा जाएगा। अभी मेरी बात हो सकता है वसीयत कर दी हो आपने? नहीं, मैंने कोई वसीयत नहीं की है। और मुझे ये बताइए कि राम जी और महात्मा बुद्ध क्या पैगंबर थे? अल्लाह जानता है, आप क्यों नहीं जानते? की बात का हमें कोई पता नहीं है। ऐसे तो हर बात आप जानते हैं, आप कहते हैं अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ने वो कहा है, और अभी आपको कुछ नहीं पता। जो मैंने कुरान में पढ़ा है वही तो बता रहा हूँ, जो मैंने कुरान में नहीं पढ़ा वो कैसे बता दूं आपको? तो बताइए ना, ये भी तो पैगंबर बता दूं जबरदस्ती ना आपको, जब पैगंबरों के नाम ही नहीं आते आपको, अगर पैगंबरों के नाम ही नहीं पता आप मुझे बताइए, आपकी बात को अपने मुंह में रख के उल्टा सीधा जवाब दे दूं आपको, पैगंबरों के नाम नहीं आते, आपकी टीआरपी बन जाए? आप रिलीजियस स्कॉलर हैं और आपको पैगंबरों के नाम नहीं आते? एक बार हंसी अच्छी लगती हो, वही हंसी हंसी है जो आप जो मकरू हंसी हंसती है ना, आप हंसी है जी 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 उसी से डिबेट बनती है आपकी। बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए ना कि आपको पैगंबरों के नाम नहीं पता, ये तो मैं आपसे सीखूंगी ना, मुझे थोड़ी पता है। तो आपको ये नहीं पता कि राम जी और महात्मा बुद्ध दोनों पैगंबर थे? कुरान में सारे पैगंबरों के नाम नहीं है, करीब 124,000 कमोबेश पैगंबर आए हैं, लेकिन कुरान में चंद पैगंबरों के नाम है, 500 क्या 100 के भी नाम नहीं है। तो मैं कहां से आपको 500 नाम बता दूंगा भाई? बेतुका तो सवाल कर रही हैं आप, क्योंकि आपको कुरान की हवा नहीं, आपको शरीयत की हवा नहीं, तो आप बेतुका सवाल कर रही हैं। आपको तो है ना, मैं तो मानती हूँ राम जी और महात्मा बुद्ध दोनों पैगंबर थे, मैं तो मानती हूँ, मैं तो राम जी को भी पैगंबर मानती हूँ, मैं तो महात्मा बुद्ध को भी पैगंबर मानती हूँ। मान लीजिए, मैं कब मना कर रहा हूँ? आप नहीं मानते, आपका कहना नहीं थे, अच्छा, मैंने कब नहीं, मैंने ये कहा कि अल्लाह जान, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पैगंबर नहीं मानता उनको, मैंने ये नहीं कहा, झूठ मत बोलिए आप, मैंने ये कहा कि अल्लाह जानता है वो पैगंबर थे कि नहीं। अब मेरी बात में इसमें कौन सी गलत बात है बताओ? अब उसमें आपको नाम आप कह रहे हैं कि मैं मानती हूँ पैगंबर है, आप तो नौजबिल्ला आलिमुल गैब है, हो सकता है आपको अल्लाह ने कोई वही अलग से नौजबिल्ला दिया आपके पास, हमें तो पता नहीं भाई, हम तो इतना जानते हैं कि अल्लाह जानता है, क्योंकि जिन पैगंबरों के नाम कुरान में है। हंसी भी बुरी लग रही है मौलाना साहब, आपको मेरी हंसी भी मकरूह लग रही है, आपने कहा मकरूह वर्ड आपने यूज किया, मकरूह वर्ड आपने यूज किया, मकरूह मकरूह, सुनिए मकरूह वर्ड पता क्यों यूज किया? अब सुनिए मेरी बात, नेचुरल हंसी और मकरूह हंसी का फर्क अलग ही होता है, सब जानते हैं, हम भी सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों से मकरूह हंसी तो खराब हंसी को कहते हैं, आपको मेरी हंसी खराब लग रही है? नहीं कभी नहीं, आपको लग रही होगी, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, मैं क्या कह सकती हूँ? ये लग रही होगी तो बस ठीक है, बात आपकी लग रही तो देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं तो मुझे कैसी लग रही है वो मेरी चॉइस है, बिल्कुल सही है। लेकिन मौलाना साहब दाढ़ी शरीयत में नहीं है, और आप शोले जरूर देखिएगा, शरीयत का अहम हिस्सा है दाढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है जिसको आपने हमेशा रखा है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दाढ़ी के इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, और आपके तो आपको तो रखने के लिए कहा भी नहीं गए, आप तो औरतों को तो वैसे दाढ़ी नहीं आती, आप क्यों दाढ़ी पर जा रही हैं? मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, सिर्फ औरतों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मर्दों की भी बात हो रही है। खैर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने, मर्दों की तो आप जब भी करते हैं तारिक जमील की करती हैं, पता नहीं उनमें ऐसी क्या चीज पसंद है आपको कि उनके नाम के बगैर डिबेट पूरी नहीं होती, उनके झूठ बहुत पसंद है, और दूसरे मौलवियों की भी बहुत सारी क्लिप है, वो भी मैं आपको भेजूंगी, वो भी मैं भेजूंगी आपको, क्या चीज पसंद है कि उनका नाम ये बगैर आपकी डिबेट पूरी नहीं होती, मतलब की दुकान लगाते हैं मुझे वो बड़ी पसंद है, जो मजहब बेचते हैं जिस तरह से लोगों, अच्छा जो दुकान लगा रहे लगाने दो ना, आपको क्या लेने देना उससे, नहीं गलत सिर्फ तारीख जमील लगा रहे हैं, गलत नहीं, बहुत लोग लगा रहे हैं, बहुत लोग लगा तारीख फतेह, तारीख फतेह जिसको आप बिठाती हैं, जो पाकिस्तान का भगोड़ा है वो दुकान नहीं लगा रहा है, वो तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, वो दिनेश, दिनेश जो बैठता है वो दिनेश, वो दिनेश, वो दिनेश जो बैठता है, क्या नाम दिनेश या दानिश, क्या नाम है उसका, जो अभी परसों तरसों बैठा हुआ था आपके एक प्रोग्राम मैंने देखा, जिस पर मैंने लिखा था आपको, वो दुकान नहीं चला रहा है, आप भी दुकान चलाइए, हराज भी दुकान चला रहा है, तो दूसरे की दुकान में क्यों ऐतराज कर रही हो आप, चलाने तो जो जैसे चला रहा है, जो अच्छा करेगा अल्लाह समझेगा, जो बुरा करेगा अल्लाह समझेगा। पता नहीं आप किस दिनेश की बात कर रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात, पूरा दिखाइएगा, इसमें काट छांट मत कीजिएगा,
पूरा दिखाऊंगी, कोई कांड छांड मैंने पहले भी नहीं की थी, अभी भी नहीं करूंगी। और आप भी और झूठा सुनिए, झूठा वायरल भी मत कीजिएगा कि एक लफ्ज बीच में से काट के उसको वायरल करके और अपना टीआरपी बढ़ा लो, उसको भी अल्लाह समझेगा। वो भी अल्लाह समझेगा, उसमें झूठ तो कोई नहीं था, आप ही बात कर रहे थे, मैंने तो कोई बात नहीं की थी और ना ही उसमें नहीं, कोई एडिटिंग आप आधी की थी। आधी बात काट के चलाती हो ना, तो उसमें जो उसकी मिनट ही पिछली इतना बात है, है गायब कर उसमें देती हो, उसमें 2 मिनट का ही टाइम जो है, तो दो पीछे की मिनट का बात ही है वो गायब लगाऊंगी कर ना। देती हो, आगे की बात गायब कर देती हो, वो बीच वाली चला देती हो, नहीं, वो पूरा शो मौजूद होता है, भी नकल हराम हम है, देख सकते हैं ये भी हराम है, बता दूं मैं आपको। उस अब पता नहीं हलाल किया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हर चीज आपने हराम कर रखी है, लेकिन शोले जरूर देखिएगा। हलाल ये है कि सच बोलो, इंसाफ करो, इंसानियत को पहचानो, इंसानियत से हमदर्दी रखो, मजहब जो अच्छा लगता है उस पर अमल करो, दूसरे मजहब को बुरा मत कहो। अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू धर्म को बुरा मत कहो, अगर आप हिंदू हो तो इस्लाम धर्म को बुरा मत कहो। अगर आपको अच्छा लगता है मान लो, नहीं अच्छा लगता है मत मानो, ये अच्छी बातें हैं। और ऐसी बातें ही अपने YouTube चैनल के जरिए से बताया करो, ये जो तारिक जमील क्या करता है, फला जमील क्या, अरे आपको क्या लेना देना भाई, करने दो जो जो कर रहा है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या आज के आपने बाद किया। हम और आप अगर बैठे हैं, आज के बाद हम और आप अगर बैठे हैं तो तारिक जमील का जिक्र नहीं आना चाहिए, सुन लीजिए बात। ठीक है, डन, दूसरे मौलवी ले आऊंगी, बहुत पढ़े हैं हमारे यहाँ, पूरी एक नहीं अरे डब्बा भर के मौलवी हैं। फिर वही बात, मौलवी से कोई ज्यादा दुश्मनी है क्या आपकी? ठीक नहीं, लेकिन जो बातें करते हैं वो तो सुनने वाली होती देखो, है ना, सीखने को मिलता है। आप मुझे बताओ ना, हमें दूसरे की बुराई करके किसी की भी क्या मिलेगा, हम अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचे ना, एक लाइन उससे बड़ी खींचे हम, ताकि लोग हमारी लाइन को देखें, हम उसी लाइन को सही बात पीटते है, रहे कि नहीं तारिक जमील क्या कर रहा है, फला जमील क्या कर रहा है, साजिद रशीदी क्या कर, अरे चलने लास्ट दो भाई टाइम आप ऊपर से। मान नहीं रहे थे ना, लास्ट टाइम आपने कहा था वीडियो दिखाओ, तो इसलिए मैंने दिखा दी। खैर कोई बात और नहीं, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आप आज आए, चलिए, बहुत और फिर दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल बहुत रखिएगा, शुक्रिया, शुक्रिया, लेकिन बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। 72 आदमियों को बता दीजिएगा, आपने कहा था मैं मशवरा करके बताऊंगी, ये 72 चाहिए कि मर्द जन्नत में आपको, आपको क्यों बताऊंगी, आपको क्यों बताऊंगी, आपने कहा था ना अभी आप डिबेट लोग देखिएगा, आपने कहा था मैं सोच मतलब के बताऊंगी, चलिए मैं सोच के नहीं, बताऊंगी। वो आप लोगों को नहीं कहा, मैंने आपको बताने के लिए नहीं कहा, नहीं, आप देख जिसको लीजिएगा, सुन बताना होगा लीजिएगा आपको दोबारा, बता आपने दूंगी। कहा कि ठीक है मैं सोच के लेकिन बताऊंगी, ये कि चलिए। आप लोगों को, लेकिन ये कि आप लोग वो जो अभी फिर वही बात आ अरे जाएगी दुआ कि वो जो करेंगे फिर बता आपके लिए रहे थे। यार, अच्छा दुआ करेंगे फिर आपके लिए कि आपके अमल ऐसे अच्छे हो आप कि जन्नत में जाकर आपको अच्छा अच्छा मिले सब कुछ, लोगों के आपके लिए तो दुआ कैसे करेंगे। भी अमल हो, आप लोग तो हर हाल में जन्नत में जाके 72 हूरे ले रहे होंगे, जिनके 100 कपड़ों में से भी बॉडी नजर हर आ रही मुसलमान होगी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक आप और लोग का बता तो दूं आपको, दिमाग उससे आगे जाता ही नहीं है, औरतों से आगे। आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग जन्नत से आगे नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नहीं, सुभानअल्लाह। सुनिए जन्नत की औरतों से आगे सुनिए नहीं जाता, सुनिए कहीं सुनिए बोले सुनिए कोई किताब सुनिए, पढ़नी है, कोई पिक्चर देखनी है, कोई रेडियो वो सुनना तो है, अरे कोई गाना सुनना है, मोहतरमा कोई सुनिए ना, कंप्यूटर चलाना है, नहीं, अच्छा कोई सुन तो शॉपिंग करनी लीजिए, है, कोई मॉल चाहिए, अच्छा कुछ सुन नहीं, तो बस लीजिए, औरतें अगर औरतें औरतें। अगर मैं कोई मकान खरीदूं और मुझे उसमें कोई कंप्लीमेंट्री चीज मिल जाए तो उससे कौन मना करता है? आप शॉपिंग करने जाती हो, अगर वहां आपको कंप्लीमेंट्री कुछ मिल जाए तो मना करती हो, चाहे उसकी औरतें हैसियत 10 रुपए औरतें की हो, आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री जन्नत लग में रही थी, हूर मिलेंगी कंप्लीमेंट्री मुझे, तो मुझे क्यों एतराज है उस पर भाई? अच्छी बात है, मिल जाए 72 की बजाय 200 मिले, 500 मिले, अल्लाह जितनी देना चाहे दे दे, कंप्लीमेंट्री में कौन एतराज कर सकता है? ये मेंटालिटी आप लोगों की, ये ज़हनियत है और यही दिमाग है और अल्लाह यही का लग शुक्र है हम इस मेंटेलिटी से खुश हैं, होना भी चाहिए। हम इस मेंटेलिटी से खुश हैं, और आपकी मेंटेलिटी अल्लाह हमें ना दे, हाँ जरूर, देगा भी बस नहीं, दुआ हमें करेंगे, को नहीं बिल्कुल देगा। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दुआ बहुत करेंगे, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।